गुड आफ्टरनून एवरी वन लास्ट बेंच तक आवाज आ रहा है पक्का और ए सी वाला अभी तो ठंड है ठीक है दो तीन चार दिन में वहां पर एक ए सी लग जाएगा सो यूल बी रिलीव जो लास्ट में बैठे उनके ऊपर फिर ऐसा ठंडा होगा कि आप लोग बोलेंगे बंद कर दीजिए ठीक है मैंने दे दिया है वो आ जाएगा दो तीन दिन में वेलकम बैक अब हम लोग आज से हमारी जर्नी ऑफिशियली चालू हो रही है जो हमने आपको रूटीन दी थी इनिशियली सिक्स डेज पर वीक अपार्ट फ्रॉम सम हेयर्स और देयर्स कोई दिन छुट्टी हो गया कोई कुछ हो गया जैसे कुछ लोग जन्माष्टमी के लिए बोलेंगे नहीं देंगे हम फिर वैसे 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 अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स वी विल हैव अकाउंट्स क्लास सुन ले एक बार we will have accounts class from monday to saturday 1:30 to 3:30 or 3:45 daily फाइव डेली ठीक है बात कंप्लीट हो गया हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे बेसिक्स का पहला दो क्लास में जो डिस्कस किया फटाफट रिवाइज करवाता हूं उसके बाद हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में जाएंगे जो आपको आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा अभी तक जो बेसिक्स में पढ़ा है एक बार फटाफट बोल रहा हूं सुनना इन फर्स्ट क्लास वी स्टार्टेड विद अकाउंटिंग होता क्या है मैंने बोला अकाउंटिंग का सिंपल मतलब है कोई भी चीज का हिसाब रखना जनरली इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी आर कंसर्न विद बिजनेस में पैसे आने जाने का पैसे जो आ रहे हैं और जा रहे हैं उनका हिसाब रखने से हम लोग कंसर्न रहते हैं तो बिजनेस में जितने भी डे टू डे में इवेंट्स हो रहे हैं ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनमें जो पैसों का लेन देन वगैरह हो रहा है उनका हिसाब रखना अकाउंटिंग कहलाता है अकाउंटिंग में टोटल तीन फेजेस है पहला फेज होता है बुक कीपिंग जहां पे हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो डेली होते जा रहे हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते चले जाते हैं दूसरा फेज होता है सारा रिकॉर्डिंग करने के बाद टाइम टू टाइम हमें अपने स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि क्या बिजनेस में चल रहा है जो हम लोग समरी बना के बुक कीपिंग की देते हैं जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं हमने जो सेकंड क्लास पढ़ा था इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको स्टेक होल्डर को क्या क्या इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा अभी सॉफ्टवेयर में कुछ आ नहीं रहा है बेसिक्स पूरा का पूरा यूट्यूब पे आएगा तो डोंट ट्राई टू ओपन वीडियोस इन सॉफ्टवेयर जो मैं टेलीग्राम में लिंक दे रहा हूं उसी से कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब मैं बात कर रहा था मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नोट्स टू अकाउंट हर एक स्टेटमेंट हर एक स्टेटमेंट कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर को देने की कोशिश करता है जैसे बैलेंस शीट देता है इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑन दी रिपोर्टिंग डेट जिस दिन आप रिपोर्ट कर रहे हो जिस दिन का आप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर रहे हो उस दिन बिजनेस के पास कितना एसेट और लाइबिलिटी है इक्विटी है उसका इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट देता है फिर दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस ये हम लोगों को डिटेल देता है उस रिपोर्टिंग पीरियड में जिस पीरियड का रिपोर्टिंग हो रहा है उस पीरियड में कितना इनकम हुआ कितना एक्सपेंस हुआ और कितना प्रॉफिट और लॉस हमने अर्न या इनकर किया तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमने इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस दिखाया वो सिर्फ दिखाने से नहीं होगा वो पैसा घर भी आना चाहिए तो मेरे घर पे पैसा आया कि नहीं माल बेच के मेरे पैसे जो आए वो मैंने कहां कहां कैसे कैसे यूज किया ये सारा कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो का इंफॉर्मेशन जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से चौथा पड़ा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जहां मैंने बोला शेयर होल्डर फंड या इक्विटी इक्विटी मतलब मालिक का पैसा उस मालिक का पैसा किस तरीके से पूरे रिपोर्टिंग पीरियड में मूव किया है उन्होंने कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कितना पैसा वापस ले लिया कितना फर्म ने प्रॉफिट कमाया जो उनको मिलेगा ये सारा चीज हम लोग देख के निकालते हैं कि इक्विटी किस तरीके से चेंज हुआ है और लास्ट में इन सारे स्टेटमेंट्स का प्रॉपर इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर तक पहुंचाने के लिए हम लोग एक्सप्लेनेटरी नोट्स देते हैं इन नोट्स टू अकाउंट्स नोट्स टू अकाउंट्स में मैंने आपको बोला था तीन चीजें आएंगी तीन चीजें नंबर वन जो आपने बैलेंस शीट पीएल में आइटम्स दिखाया है उनका डिसएग्रीगेशन अगर पीएल में हमने पीएल में हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाया है तो इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बाइफरकेशन प्रोडक्ट बेच के कितना आया सर्विसेज सर्विस कितना आया वो सारा चीज आएगा अगर हमने मान लो पीएल में दिखाया है depreciation, वो मशीन पे कितना वो डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना वो डेप्रिसिएशन दूसरे एसेट पर कितना वो बाइफरकेशन देते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में इसको मैं बोल रहा था डिसएग्रीगेशन ऑफ आइटम्स और फिगर्स शोन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग करने के लिए जो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज किए हैं उनका आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर को देना होगा तीसरा अगर कोई भी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लगता है स्टेक होल्डर तक पहुंचनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन भी हम अलग से डिस्क्लोज करके स्टेक होल्डर को बताएंगे कहां पर नोट्स टू अकाउंट्स में तो पहला हो गया आप बुककीपिंग करोगे बुक कीपिंग से पीरियॉडिकली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे फिर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके इनसे डिसीजन मेकिंग करने का हमारा तीसरा काम होता है लास्ट क्लास जब मैं कैश फ्लो वगैरह के बारे में आपको बता रहा था मैं आपको बेसिक हिंट दे रहा था हम लोग क्या चीज़ें देखेंगे और किस तरीके से एनालाइज करेंगे एक कंपनी का कैश फ्लो हेल्दी है कि नहीं एक कंपनी का बैलेंस शीट पोजीशन हेल्दी है कि नहीं एक कंपनी का प्रॉफिट लॉस पोजीशन हेल्दी है कि नहीं, नहीं ये सब हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ ताकि चीज़ें याद आ जाए अगर कंपनी का मैं कैश फ्लो देख रहा हूं और कैश फ्लो में मेरे को दिख रहा है कंपनी ने अपने ऑपरेशन से एक हजार करोड़ जनरेट किया है कितना एक हजार करोड़ जेनरेट, यानी एक हजार करोड़ जनरेट यानी का नेट आया है और उसमें से आठ सौ करोड़ कंपनी ने नए एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है तो बताओ आपको कैसा लगेगा अच्छा या खराब अच्छा बहुत अच्छा लगेगा सर कंपनी कमा कमा के नए प्रोजेक्ट कर रही है नए प्रोजेक्ट करेगी तो फ्यूचर में हम लोगों को ज्यादा ग्रोथ और प्रॉफिट्स मिलेगा आप लोग अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हो वहां पे आप जानते हो कि जैसे जैसे कंपनी बिजनेस करेगी बिजनेस से कैश फ्लो आएंगे शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा शेयर होल्डर का प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होगा वो सारा चीज आप लोग सीख रहे हो तो अगर कंपनी इंटरनली प्रॉफिट जनरेट करके उस प्रॉफिट को प्रोजेक्ट्स में लगा के कंपनी और प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो फ्यूचर में हमारे लिए फायदे का चीज है अगर कंपनी अगर कंपनी प्रॉफिट जो है हमारा प्रॉफिट्स रेवेन्यूज है उससे उतना इंफ्लोज नहीं ला पा रही नया नया लोन लेके बिजनेस कर रही है तो ये कहीं ना कहीं रिस्की पोजीशन हो सकता है हम लोग बोलते हैं कंपनी ज्यादा गियर्ड या ज्यादा लीवर्ड है अगर ज्यादा डेट ले लेंगे ना इनिशियली जब तक प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तब तक सब सही लगेगा बट फ्यूचर में जाके अगर प्रॉफिट मार्जिन गिरना शुरू किया तो डेट का इंटरेस्ट कॉस्ट तो हर साल चुकाना पड़ेगा प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ बट हमारे पास कमाई है नहीं तो इन दैट केस हम लोगों को लगने लगेगा रिस्क या डर कि भाई हम लोग अपना लाइबिलिटी को कैसे मैनेज करेंगे ये सब चीजें आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे ना कंपनी का आप देख पाओगे कंपनी में और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लोगे कंपनी में घुसना है या नहीं घुसना है तो जो कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं स्टेक होल्डर वर्ड जानते हैं आप लोग एनी वन हैविंग इंटरेस्ट इन बिजनेस अब वो इंटरनल लोग भी हो सकते हैं एक्सटर्नल लोग भी हो सकते हैं जैसे कंपनी के ओनर्स कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स स्टेक होल्डर्स है कंपनी में लेंडर्स स्टेक होल्डर्स है कंपनी के इंप्लॉयीज गवर्नमेंट सप्लायर्स कस्टमर्स ये सब कंपनी के स्टेक होल्डर है क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कंपनी के कामकाज में इंटरेस्ट है किसी को फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है किसी को फाइनेंशियल की जगह टाइम वाइज इंटरेस्ट होता है अलग अलग जन का अलग अलग इंटरेस्ट है बट हर जन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और इसका फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है या नहीं है अगर आज मैं एक रॉ मटेरियल सप्लायर हूं किसी कंपनी का तो मेरे को तो ये देखना पड़ेगा ना कि कंपनी को अगर हम ज़्यादा ज़्यादा उधार दे रहे हैं तो फ्यूचर में ये पैसा आ भी पाएगा या नहीं मैंने उधार दे दिया पाँच करोड़ रुपए का मैंने बाद में देखा कि कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन तो बहुत खराब है तो हम उधार दे के फंस गए हाँ या ना वहीं हम देख लेते कैश फ्लो पोजिशन खराब है तो हम उधार देख के देते बोलते अभी बीस लाख का माल खरीदिए पंद्रह दिन बाद पेमेंट कीजिए फिर बीस लाख का माल और देंगे हम थोड़ा टाइट रखते हैं अपनी पोजीशन को नहीं तो हमने तो ऐसे ही माल दे दिया बोला जब देना है तब देना जब देना है तब देना आएगा ही नहीं क्योंकि कंपनी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन बहुत खराब है है दिस इज हाउ यू टेक डिसीजन कि आपको के साथ जुड़े रहना है या नहीं जुड़े रहना क्रेडिट देना है तो कितने का देना है ये सारा डिसीजन हम लोग तभी ले पाएंगे जब हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना सीखेंगे हम लोगों का इंटर लेवल का काम पता है कहां तक सीमित हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पढ़ने का काम ना फाइनल लेवल पे सीखने मिलता है फाउंडेशन लेवल वॉज मोर कंसर्न अबाउट बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना सीख लो इंटर लेवल इज मोर कंसर्न अबाउट रिकॉर्डिंग के बाद उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेश और फाइनल फाइनल वाला पार्ट इज मोर कंसर्न अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई चीज आई है तो उसका क्या इंपैक्ट है कंपनी पे और उसको हम लोग कैसे ठीक करें इस तरीके से फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक आपकी अकाउंटिंग नॉलेज बढ़ती जाएगी यहां तक सारे बच्चों को सब बात क्लियर थी ये मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लिया था आज मैं सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं जो सारे बच्चे जानते हैं वर्ड सुना हुआ है बट इस वर्ड का मतलब नहीं पता है आपने सुना होगा कि कोई भी कंपनी अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर स्टेक होल्डर को दे रही है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना ट्रू एंड फेयर होने चाहिए ट्रू एंड फेयर होने चाहिए ट्रू एंड फेयर मतलब जो बातें हुई है वही बातें बताई गई है कंपनी ने कुछ जोड़ मरोड़ के तोड़ के बाद पेश नहीं किया है ये ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर ट्रू एंड फेयर व्यू होगा तब तो जो तुमने डिसीजन लिया है उसका सही रिजल्ट आएगा अगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होगा तो तुम्हारे सारे डिसीजंस क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे आपने एक वर्ड सुना होगा विंडो ड्रेसिंग आपने सुना होगा सत्यम स्कैम सत्यम स्कैम में बैलेंस शीट को कंपनी की बैलेंस शीट को कैश फ्लो को विंडो ड्रेस किया गया था उस बैलेंस शीट में कैश फ्लो में पीएल में जो बातें बताई गई थी वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती थी इन दैट केस जिस दिन ये पता चला कि कंपनी के पास एसेट्स है ही नहीं जो वो दिखा रही है तो लोगों को समझ में आया कि कंपनी के शेयर की जो वैल्यू आज दिख रही है मार्केट में वो होनी क्योंकि लोगों को समझ में आया कंपनी के पास एसेट ही नहीं है बिजनेस ही नहीं है शेयर का दाम मार्केट में गिरना शुरू किया और कंपनी का भट्टा बैठ गया फिर उसके बाद कंपनी को महिंद्रा ने टेक ओवर करके फिर कंपनी आज जो चल रही है वो चल रही है अदरवाइज उस समय एक बार के लिए कंपनी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी जो शेयर कभी पांच सौ रुपए पर बिकता था वो पांच रुपए पर बिकने लग गया था जब रियलिटी का पता चला कि जो मालिक है मालिक ने सब कुछ झूठ झाट बोल रखा है कंपनी में कुछ है ही वो कंपनी का पैसा निकाल के दूसरी जगह ले जा रहे हैं और कंपनी में प्रॉफिट्स या दूसरे एसेट्स दिखाने के लिए उन्होंने झूठे फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट झूठे बैंक बैलेंस के सर्टिफिकेट्स लाके कंपनी के, के बैलेंसेस को बढ़ा रखा है तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए ट्रू एंड फेयर अब व्ट डू यू मीन बाई दिस ट्रू एंड फेयर व्यू जब तक हमको यह नहीं पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर क्या होता है हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे हम इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे हमको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सही व्यू दिखाना है स्टेक होल्डर को तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा तो वो हमको ध्यान सिर्फ पढ़ते समय नहीं जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा उस समय भी रखना पड़ेगा हम लोग सबसे पहले आज सीखेंगे सब बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए व्हाट इज द द क्राइटेरिया व्हाट व्हाट आर बेसिस जो ये बताएगा कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है तो हम लोग को ये ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर सबसे पहले बात करना है जैसे ये समझ में आ जाएगा हम लोग फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खोदना शुरू करेंगे और हम लोग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे जहां पे हम लोग वर्ड्स लाइक एसेट liability, इक्विटी इनकम एक्सपेंस इनको डिकोड करेंगे और थोड़ा इनका जो बचपन में अकाउंटिंग सीखा हुआ है ना उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि हमारे सामने जब भी वो सारी चीजें आए हम बहुत ईजीली उनको कर सके तो हम आज सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं मेरा पॉइंट नंबर चलेगा फोर पॉइंट फोर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नाम से यही समझ में आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बताया गया है वो क्या होना चाहिए सच सच होना चाहिए सही सही होना चाहिए उसमें कोई झूठ झाट होना नहीं चाहिए उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है सारी डिस्क्लोज होनी चाहिए कुछ छोड़ के कुछ आधा अधूरा दबा के बताने का दरकार जो है आप वो बता दीजिए एज इट इज ताकि हम उसके बेसिस पे ये डिसाइड करें हमको आगे रहना है या नहीं रहना है ये बेसिक मतलब समझ में आता है हम लोग कब समझेंगे या हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं उसके लिए बोला गया अगर आप चाहते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर डिसाइड करना तो आपको ना तीन पैरामीटर्स पर ध्यान रखना होगा कितने पैरामीटर तीन पैरामीटर पहला पैरामीटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी लॉ में बातें लिखी हुई है वो आपने लॉ की बातों को लॉ की बातों को फॉलो किया है कि नहीं किया कंप्लाई किया है कि नहीं किया क्योंकि हम लोग कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी एक्ट आएगा अब कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सेक्शन बना हुआ है सेक्शन 129 सबसे पहले बोला गया आप देखो आपने लॉ को फॉलो किया है कि नहीं किया लॉ सिर्फ कंपनी लॉ ही नहीं अगर आप एक कंपनी हो जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉ अप्लाई होता है और उस लॉ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ बातें कही गई है आपको वो बातें भी फॉलो करनी पड़ेगी जैसे मान लो एक बैंक है बैंक बैंक को हम लोग बैंकिंग कंपनी बोल सकते हैं बैंकिंग कंपनी बैंकिंग कंपनी के ऊपर एक एक्ट लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंकिंग कंपनी को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना रखी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेशंस निकालता है कि बैंकों को काम कैसे करना है अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई रेगुलेशन में भी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक से रिलेटेड बहुत सारी बातें लिखी हुई है अगर आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली बना के ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको लॉ में लिखी गई सारी बातों को कंप्लाई करना पड़ेगा तो सर हम लोगों को सबसे पहले सारे लॉ जानने पड़ेंगे मैं सारे लॉ की तो बात नहीं करूंगा मैं ये बोलूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने लॉ है उतने आपको पता होने चाहिए सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन कौन से लॉ अप्लाई करने हैं वो जब आप जिस फियर में काम करोगे उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कौन से लॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं कंपनी है तो कंपनीज एक्ट तो इफेक्ट करेगा ही इसके साथ साथ अगर आप कोई स्पेसिफिक एक्ट से गवर्न होते हो तो उस एक्ट में भी आपको प्रॉपरली देखना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या बातें लिखी गई है पहला तो ट्रू एंड फेयर व्यू होने के लिए पहला पॉइंट है लॉ को कंप्लाई करना पड़ेगा दूसरा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नथिंग बट लॉज और रूल्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हम फॉलो करके हमारे अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर माने जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने इंपॉर्टेंट है ना कि सेक्शन एक बना हुआ है कंपनीज एक्ट में जो ये बोलता है हर कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए बिने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो इट इज कॉन्ट्रावेंशन टू दी लॉज ऑफ कंपनीज या कंपनीज एक्ट तो पहला हो गया लॉज फॉलो करो दूसरा हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी कंपनी को अप्लाई करते हैं आपने प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है कि नहीं किया है ये डिसाइड करेगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है और तीसरा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए क्या होनी चाहिए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बचपन में एक थ्योरी क्वेश्चन पढ़ते होंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए नंबर वन रेलिवेंस नंबर टू रिलायबिलिटी, नंबर थ्री अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड नंबर फोर कंपेरेबिलिटी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिटेटिवली सही है सही से बना हुआ है ये डिसाइड होगा अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार कैरेक्टरिस्टिक हो रेलिवेंस रिलायबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी अब हम लोगों को ये चार शब्द समझना है लिखना नहीं है एक बार रेलिवेंस रिलाएबिलिटी आ जाएगा रेलिवेंस रिलायबिलिटी दिख रहा है अब. अंडरस्टैंडेबिलिटी लिखना नहीं है एक बार छोड़ दे मैं वही पूछा आ गया तुमने बोला हाँ आ गया कंपेरेबिलिटी चल रहा है ना डन ये चारों वर्ड के बारे में समझना पड़ेगा कि हम कैसे पता करें मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं क्वालिटेटिव मतलब ये क्वालिटीज है या नहीं अगर ये क्वालिटीज हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है मैं बोल सकता हूं मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना हुआ है वो ट्रू एंड फेयर है एक एक वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं वट इज रेलिवेंस रेलिवेंस मतलब समझते हो रेलिवेंस मतलब मैं सिंपल बोल सकता हूं जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गई है वो रेलिवेंट फॉर स्टेक होल्डर होनी चाहिए काम की होनी चाहिए जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है स्टेक होल्डर के डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर सकती है वो इंफॉर्मेशन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्कलोज होनी चाहिए अब रेलिवेंस दो तरीके की बात करता है दो बात करता है देख पहला बात ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरा इ इंफॉर्मेशन नहीं हो तो ही अच्छा है मोर इंफॉर्मेशन मतलब मोर नॉलेज या प्रॉपर डिसीजन ऐसा नहीं होता प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रॉपर मीनिजन तो अगर कोई इिवेंट इंफॉर्मेशन है इन मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता है स्टेक होल्डर के डिसीजन को इंपैक्ट नहीं करेगा उन सब चीजों को बताने का दरकार आपका एक कंसाइनमेंट में पांच करोड़ का लॉस हुआ है करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी की टोटल रेवेन्यू है पच्चीस करोड़ रुपए का, तो का माल जल गया था यह दस हजार का माल जल गया नहीं भी बताते ना तो स्टेक होल्डर बोलता हमको कोई प्रॉब्लम बट तुम वो जो पांच करोड़ का पेनल्टी लगा वो नहीं बताए एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है या नहीं एंड रेलिवेंस नॉट ओनली साइज से ये जरूरी नहीं है कि पांच करोड़ का लॉस है तो बताना पड़ेगा मान लो ऐसा कोई कॉन्ट्रावेंशन है आवाज कम तो नहीं आ रहा है आप लोग थोड़ा सा जो ऑनलाइन देखते हैं ना ईयरफोन लगा के देखिए ऐसे भी मेरी क्लास ईयरफोन में देखना ही बेटर है क्योंकि अडल्ट कंटेंट है आप सब सीए वाले लोग 18 से तो ऊपर ही है तो 18 से ऊपर के लिए अगर कोई कंटेंट है तो अडल्ट कंटेंट है तो अडल्ट कंटेंट है ध्यान रखिएगा और मम्मी पापा को आसपास लेके बिल्कुल मत बैठिएगा अडल्ट है बट मेरी एक क्लास का पैसा देके तीन क्लास तीन जन तो नहीं देख सकते ना तो तुम मम्मी पापा को पास में बैठा के क्लास देख रहे हो तो मेरा एक पैसा मिला तुम देख रहे हो तीन जन डोंट इंजॉय यार ऐसे ये तो गलत बात है यार तो प्लीज ध्यान रखिएगा ऐसे कभी कभी बच्चों से कुछ बातें हो जाती है जो उनको ज्ञान जरूरी है फ्यूचर के लिए तो मैं चाहता हूं कि वो ज्ञान तुम्हारे तक रहे आगे ना जाए एक बार के लिए रितु पापा को प्रणाम बोलना बोलते पापा पास में बैठे हैं अंकल प्रणाम ठीक है ये सब मत करो क्या अंकल का टाइम वेस्ट कर रहे हो हाँ एक बच्चा बोल रहा हम टीवी पे देख रहे हैं <laughs> फैमिली शो चल रहा है थोड़ी देर में ऑकवर्ड फीलिंग होने लगेगा चलो इधर छोड़ दो मजाक का बात है मैं ये बोल रहा था आप जब इंफॉर्मेशन दोगे वो इंफॉर्मेशन सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है रेलिवेंस दो तरीके से काम करता है वो बोलता है नंबर वन कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन छूटे नहीं और बेकार की इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन आए नहीं हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो सब हो रहा है सब बता दो भर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिर वह पढ़ने वाला बोलेगा छोड़ इतना कौन पढ़ेगा रहने दे जो डिसीजन लेना है ले ले सौ पेज का हम नहीं पढ़ने वाले बोला इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन ज्यादा होने से ना कचरा ज्यादा भर जाता है जंक ज्यादा भर जाता है तो जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो छुपाने की कोशिश की जाती है जिसके कारण हो सकता है कि स्टेक होल्डर प्रॉपर डिसीजन ही नहीं ले पाए तो रेलिवेंस हमारा बोला हमारी सारी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर तक पहुंचनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन रेलिवेंट तभी मानी जाएगी जब उसका डिसीजन मेकिंग पर इंपैक्ट होगा इंपैक्ट तभी होगा किसी इंफॉर्मेशन का जब वो इंफॉर्मेशन मटेरियल होगी क्या होगी मटेरियल मटेरियल नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ साइज ये नहीं पांच करोड़ का हुआ तो मटेरियल है कभी कभी बीस लाख का दस लाख का दो लाख का पेनल्टी भी मटेरियल होता है अगर उसका इंपैक्ट फ्यूचर पे भी आ सकता है कंपनी क्या कर रही है कंपनी का लेदर टैनरी है लेदर टैनरी समझते हो जो एनिमल स्किन होती है एनिमल हाइड होती है उसको टैन करके उससे लेदर बनाना अब उस लेदर टैनरी का जो कचरा होता है ना जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट सीधा गंगा में फ्लो होता है गवर्नमेंट ने एक रूल लाया जो भी ये कर रहा है इनिशियली हम पेनल्टी लगाएंगे अगर बहुत ज्यादा होगा तो हो सकता है वो फैक्ट्री ही बंद कर दे और कंपनी का एकमात्र फैक्ट्री है तो इस साल तो कंपनी को बीस हजार का पेनल्टी लगा है बट क्या ये रेगुलर करने से ऐसा हो सकता है कि कंपनी बंद हो जाए अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है कि नहीं तो मेरे लिए बीस हजार इज नॉट इंपॉर्टेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट इज अगर ये लॉन्ग ड्रॉन रहा तो हो सकता है कंपनी का जो गोइंग कंसर्न है ना गोइंग कंसर्न वर्ड सुना है कि कंपनी चलते रहेगा वो गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो जाए और मेरा बिजनेस हमको बंद करना पड़े तो इन्फॉर्मेशन अगर मटेरियल है अगर वो हमारे स्टेक होल्डर के डिसीजन को इंपैक्ट करेगी हमको वो इंफॉर्मेशन को स्टेक होल्डर को डिस्कलोज करना पड़ेगा क्या वर्ड रेलिवेंट समझ में आया क्या बोलते हैं ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्कलोज एंड इनरेलीवेंट इंफॉर्मेशन इेलिवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्कलोज आप इनरेलीवेंट इंफॉर्मेशन भर के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश ना करें धनबाद क्लियर रेलिवेंस के बाद सेकेंड वर्ड क्या आया ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये होना चाहिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होना चाहिए रिलायबल का मतलब हमने जो वहां पर इंफॉर्मेशन दी है प्रॉफिट लॉस की कैश फ्लोस की बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटीज की वो इंफॉर्मेशन सही है वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है वो इंफॉर्मेशन ट्रू है वो इंफॉर्मेशन फ्री फ्रॉम बायस है वो इंफॉर्मेशन सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है अगर ये सारी बातें उस इंफॉर्मेशन में है तो मैं बोलूंगा मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है क्योंकि अगर वो रिलायबल नहीं है वो रिलाय करने लायक नहीं है तो उससे फिर डिसीजन मेकिंग कर पाना पॉसिबल रिलायबल मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फ्री फ्रॉम बायस फ्री फ्रॉम बायस जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रुथफुली रिप्रेजेंट की गई है उसमें कोई झोल झाल झूठा मोटा बात कंपनी के पर्सनल फायदे के लिए किया हुआ नहीं है अगर आपको चाहिए कि आपकी इंफॉर्मेशन रिलायबल हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे यू विल ऑलवेज फॉलो दिस कॉन्सेप्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है बचपन में ये वर्ड सुना होगा आज ये वर्ड समझने का समय आया है सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर कोई ट्रांजैक्शन तुमको दिख रहा है जिसका इकोनॉमिक रियलिटी फाइनेंशियल रियलिटी उसके लीगल फॉर्म से अलग है उसके लीगल जो फॉर्मेट है लीगल जो वो दिख रहा है उससे अलग है तो आपको अकाउंटिंग हमेशा ट्रुथ सब्सटेंस पर करनी है लीगल फॉर्म को इग्नोर कर देना है मतलब जब भी अकाउंटिंग करोगे वो ट्रांजैक्शन का ट्रू सेंस को बाहर निकाल के लेके आएगा वो उसके लीगल नेचर क्या है उस पर कोई मैटर नहीं करता जैसे अगर एग्जाम्पल बोलू तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल दू जो तुमको एक बार में समझ में आए वो ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है मान लो मैंने क्या किया मिस्टर एक्स के साथ ये मिस्टर एक्स है हम हैं मेरे को ना मिस्टर एक्स से पांच लाख रुपया लोन में चाहिए था एक महीना के लिए क्या चाहिए था लोन में चाहिए था एक रुपया एक महीने के लिए बट हम ना लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते हैं क्या नहीं दिखाना चाहते लाइबिलिटी yeah. क्योंकि मेरा ऑलरेडी डेट बहुत ज्यादा है अगर और डेट ले लेंगे तो मेरा जो स्टेक होल्डर है ना डर जाएगा उसको रिस्क लगने लगेगा वो कंपनी छोड़ के निकलने चलेगा मैं ये नहीं दिखाना चाहता मैंने देख इसके साथ क्या अरेंजमेंट किया मैंने इसको बोला आज मैं तेरे को गुड्स बेच रहा हूं गुड्स बेच रहा हूं बोला मेरे को नहीं चाहिए बोला सुन तो सही गुड्स बेच रहा हूं पांच लाख रुपए का कितना रुपए का पांच लाख तुम मेरे को पांच लाख दे गुड्स लेके चला जा एक महीने बाद ये गुड्स वापस मेरे को बेच देना हम तेरे को पांच लाख बीस हजार रुपया देगा एक महीने बाद तुम मेरे को यही गुड्स वापस बेच देना हम तेरे को पांच लाख बीस हजार देगा तो तुम बताओ यहां पे ट्रांजैक्शन का लीगल लीगल फॉर्म क्या दिख रहा है सेल ऑफ ट्रांजेक्शन मैंने उसको माल बेचा उसने मेरे को फ्यूचर में माल बेचा बट क्या ये दो तो? अलग अलग ट्रांजेक्शन है या है? Yes. और यहां पता है है और पता का जो motive है ना motive, वो goods बेचना नहीं था गुड्स को सिक्योरिटी पे रख के लोन उठाना मैं उसको ऐसे भी बोल सकता था आज पांच लाख रुपए का लोन दे गुड्स गिरवी रख रहा हूं एक महीने बाद इंटरेस्ट जोड़ के पांच लाख बीस हजार पे करूंगा गुड्स वापस दे देना ये भी तो बोल सकता था बट मैं ये बोलना नहीं चाहता था क्यों बताओ क्योंकि मेरे को लाइबिलिटी बैलेंस शीट में अभी दिखाने का इच्छा नहीं था तो मैंने ये नहीं बोल के मैं बोला चल ट्रांजेक्शन को ऐसे जमा मैं तेरे को अभी माल बेचूंगा तो मेरा सेल्स आ जाएगा और मेरे पास कैश आ जाएगा एक महीने बाद तू मेरे को ये वापस माल बेच देना पाँच बीस में तो मेरे यहाँ से पाँच बीस चला गया कैश और मैं एक खर्चा दिखा दूंगा पाँच बीस का जबकि यह हुआ ही नहीं है यहां पे हमारा मोटिव वॉज फाइनेंस अरेंजमेंट एंड मोटिव वॉज नॉट टू सेल और गुड्स और अब अगर तुम इस ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली नहीं दिखाओगे क्या स्टेक होल्डर को कभी भी समझ में आएगा एक्चुअल में बिजनेस में क्या हुआ नहीं समझ में आएगा इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म एग्जांपल समझ में आया और एक बेटर एग्जाम्पल देता हूं और अच्छा एग्जाम्पल जो तुम लिंक कर पाओगे मान लो ये मिस्टर एक्स मेरा इंप्लॉई है क्या है इंप्लॉई ठीक ये एक दिन मेरे पास आया बोला बाबू घर पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है दस लाख रुपया का लोन दीजिए क्या दीजिए दस लाख रुपया का लोन नॉर्मली अगर मैं किसी और को लोन देता तो मैं मार्केट रेट के हिसाब से ब्याज भी लेता हूं उससे वो मार्केट रेट दस परसेंट बारह परसेंट कुछ हो सकता है बट मैं जानता हूं मिस्टर एक्स मेरा बहुत अच्छा है मैं इसको चाहता हूं रिटेन करना मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता मैंने बोला बिल्कुल यार तेरे दुख में हम नहीं काम आएंगे तो कौन आएगा ये दस लाख रुपया लोन रख धीरे धीरे चुका देना तेरे को इंटरेस्ट ना कुछ देने का दरकार नहीं है तू तो दस लाख ही चुका देना तू तो दस लाख ही मतलब मेरा लोन का टर्म्स देखो लोन आज दूंगा दस लाख रुपया मान लो ये एक साल में चुकाएगा या तीन साल में चुकाएगा इंटरेस्ट रेट इससे कितना ले रहा हूं जीरो जबकि यही लोन अगर मार्केट टर्म्स में होता तो ये दस लाख रुपया लोन तीन साल में देता तो मैं सामने वाले से दस परसेंट पर एन इंटरेस्ट भी लेता बट इससे क्यों नहीं ले रहा हूं इंटरेस्ट क्योंकि ये मेरा इंप्लॉई है और मैं इंप्लॉई को रिटेन करना चाहता हूं कि वो यहां से छोड़कर

जिस कंपनी में लेबर टर्नओवर हाई रहता है ना वो कंपनी हमेशा रहता है वो हमेशा के मेरे को दिया हुआ है जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाँ या ना तो अगर इस लोन की अकाउंटिंग करनी है तो आज एंट्री करूंगा आज एंट्री करूंगा सुन ले क्या एंट्री कर रहा हूं लोन दिया है मैंने तो लोन टू इंप्लॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक सारे बच्चे इतफाक रखते हैं इस बात से लोन टू इंप्लॉय अकाउंट डेबिट लोन दिया है तो लोन एसेट है लोन टू इंप्लॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक और जैसे जैसे पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू इंप्लॉई बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू इंप्लॉय मान ले मैंने इसको बोला फर्स्ट ईयर में चार लाख दे देना सेकंड ईयर में चार लाख दे देना थर्ड ईयर में तीन लाख दे देना तो जब यह पैसा देगा जब मैंने पैसा दिया लोन टू बैंक और जब पैसा आया तो बैंक टू लोन बैंक टू लोन बैंक टू लोन बात खत्म हो गया बट क्या तुमको लगता है ये बोलना इस सही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट नहीं तुमको पता है हमारे इंडेस क्या बोलते हैं बोलते हैं भलाई इसको जीरो रेट पर आपने लोन दिया है बट आपको इस ट्रांजैक्शन को अगर सही से सही से रिकॉर्ड करना है ना आपको इसको प्रॉपरली प्रॉपरली रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन अ वे दैट जो लोन का इंटरेस्ट फ्री आपने दिया है जो इंटरेस्ट आपने इससे चार्ज नहीं किया है वो आपको इंप्लॉयी रिटेन करने के कॉस्ट के नाम से दिखाना चाहिए मैंने जो इसको लोन दिया है उस लोन की वैल्यू में इंटरेस्ट मिलना चाहिए था बट ये इंटरेस्ट कुछ दे तो ये इंटरेस्ट जो मैंने फ्री किया ये क्यों किया क्योंकि मैं इंप्लॉय को रिटेन करना चाहता था तो आपको ये फैक्ट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बिल्कुल बताना पड़ेगा तो सर हम लोग लोन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे देख लोन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे मैं पूछ रहा हूं इससे बताओ मेरे को तीन साल इस दस लाख के लोन का आउटफ्लो से तीन साल कितना कितना रुपया आएगा चार चार दो करो हां चार चार तीन नहीं होगा चार चार और दो आएगा अगर यही चार चार दो मेरे पास तीन साल में आता और रेट ऑफ इंटरेस्ट दस परसेंट होता रेट ऑफ इंटरेस्ट दस परसेंट होता तो आज कितना लोन मेरे को देना होता जिससे मेरे को दस एक साल बाद चार लाख दो साल बाद चार लाख और तीन साल बाद दो लाख आता दस तो नहीं देना पड़ता दस से कम देने से काम हो जाता मैं नौ लाख देता वो दस परसेंट से ब्याज जुड़ता फिर वो मेरे को कुछ पैसा देता फिर वापस उस पर दस परसेंट ब्याज जुड़ता फिर कुछ पैसा देता फिर वापस दस परसेंट ब्याज जुड़ता फिर कुछ देता मैं क्या कर रहा हूं इन तीनों इनफ्लोस की ना प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू समझते हो प्रेजेंट वैल्यू आज का वैल्यू एट द रेट ऑफ टेन प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं सिंपल बोल रहा हूं सुन सिंपल बोल रहा हूं सुन हमको नहीं पता फॉर्मूला क्या होता है आज जीरो तीन साल में कितना कितना रुपया आएगा चार लाख चार लाख दो लाख अपने तो बोल रहे हैं ये इंटरेस्ट जोड़ के नहीं है बट रियलिटी है कि बिना इंटरेस्ट के कोई काम मतलब ये पैसा जो है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है मान ले आज मैं तेरे को एक रुपया दू और मैं बोलू मेरे को एक साल बाद दस परसेंट इंटरेस्ट जोड़ के लौटा देना तो एक साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक रुपया दस पैसा हाँ ना फिर मैं तेरे को बोला चल दस परसेंट वापस रख ले एक साल बाद लौटा देना और एक रुपया इक्कीस पैसा फिर मैं बोला वापस थर्ड ईयर के लिए रख ले और मेरे को दस परसेंट जोड़ के दे देना एक रुपया तैतीस पैसा अगर मेरे को कोई पैसा आज लगाना है और उस पर इंटरेस्ट लेना है तो मेरा वो पैसा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा हाँ या ना? मैं भला ही इंप्लॉई से इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं बट कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट जो नहीं ले रहा हूं वो उसको रिटेन करने का एक कॉस्ट है एक खर्चा है खर्चा जो मेरे को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा अगर मैं यही लोन किसी और को मार्केट में देता ना पता है मैं कितना रुपया लोन देता ताकि मेरे को चार लाख चार लाख और दो लाख मिले मैं उसको लोन देता इस लोन का प्रेजेंट वैल्यू अगर ये 1.1 के बराबर है तो उसका आज का वैल्यू क्या होगा फोर डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन अगर ये वन पॉइंट टू वन के बराबर है तो इसका आज का वैल्यू क्या होगा डिवाइडेड अगर ये थ्री के बराबर है तो उसका आज का वैल्यू क्या होगा टू डिवाइडेड बाई वन पॉइंट थ्री थ्री वन अगर तुम इसका वैल्यू निकाल सकते हो निकाल के बताओ एट लैक फोर्टी फोर थाउजेंड 478 ये 844 478 पता है बताए क्या है अगर आज ए ए छोड़के ये एम्प्लॉय को छोड़ के होता ना बोलता सर हम तीन साल में आपको चार लाख चार लाख दो लाख लौटाएंगे दस परसेंट का आपका इंटरेस्ट है आप मेरे को आज कितना का लोन देंगे मैं बोलता मैं एट लाख फोर्टी फोर थाउजेंड फोर एट का लोन दूंगा सर ये कैसे हुआ एक बार बताइए एक बार कैलकुलेटर सब अपने हाथ में ले एट लाइक फोर्टी फोर थाउजेंड फोर सेवेंटी एट आई एम बिलीविंग दस परसेंट प्लस टेन परसेंट कीजिए इसके ऊपर प्लस टेन परसेंट कीजिए इसके ऊपर प्लस टेन परसेंट कीजिए क्या एक फिगर आया क्या इससे वो रुपया वापस करेगा मेरे को कुछ फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में कुछ वापस करेगा कितना रुपया वापस करेगा वो चार परसेंट चार लाख वापस करेगा माइनस कर दे चार लाख माइनस चार लाख फाइव ट्वेंटी एट नाइन ट्वेंटी सिक्स ठीक है अब इसके ऊपर सेकंड में सेकंड ईयर में मैं इससे कितना ब्याज लूंगा दस परसेंट वापस दस परसेंट जोड़ प्लस टेन परसेंट वापस मेरे को चार लाख रुपया उससे मिल जाएगा माइनस फोर लैक्स वन एट वन एट वन एट फिर उस वन एट वन एट वन एट के ऊपर दस परसेंट जोड़ दो लाख रुपया और वो दो लाख रुपया मेरे को वापस करेगा तो क्या हमारा हिसाब खत्म हो जाएगा तो मतलब आज मैं अगर किसी को आठ लाख चवालीस हजार रुपए देता हूं और वो मेरे को दस परसेंट के हिसाब से तीन साल चार लाख चार लाख और दो लाख देता है तब मेरा रिटर्न बैठेगा मतलब मैं किसी को आज दस लाख देकर तीन साल में चार चार दो तो एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि वो आएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मनी का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए तो मैंने जो आज इंप्लॉई को सुनना मैंने जो आज इंप्लॉई को दस लाख दे दिया इंस्टेड ऑफ एट फोर्टी फोर मैंने उसको कुछ ज्यादा दिया कितना रुपया ज़्यादा दिया बता तो मेरे को देना चाहिए था एट फोर्टी फोर मैंने उसको दे दिया दस लाख बोला जा मुन्ना रख ले वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी टू और पता है ये जो एक्स्ट्रा फ्री में दिया ना एक सेकेंड वन फाइव 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 टू टू ये जो मैंने उसको फ्री में दे दिया ना फ्री में ये फ्री में पता है क्यों दिया क्योंकि वो मेरा इम्प्लॉई है और वो मेरे लिए इस चीज के लिए इस चीज के लिए वो मेरे यहां साल काम करेगा क्योंकि जब तक उसका लोन चुकेगा नहीं हम उसको जाने प्लस मैंने उसकी लॉयल्टी बना ली लॉयल्टी बनाई तो वो मेरे यहां तीन साल अच्छे से काम तो ये जो एक लाख पचपन हजार आज इंप्लॉय को दिया है ना मैंने एक्स्ट्रा दिस इज एक्चुअली एन कॉस्ट टू रिटेन हिम फॉर द नेक्स्ट Years, accounting standard बोलते हैं कि आपको इस खर्चे को तीन साल में में धीरे-धीरे करके अपना employee benefit cost दिखाना पड़ेगा. Because the true representation of the transaction is, आपने उसको लोन फ्री में नहीं दिया है, आपने उसको लोन मार्केट रेट पर ही दिया है बस आपने क्या किया आज उसको थोड़ा ज्यादा पैसा दे दिया और बोला इंटरेस्ट देने का दरकार नहीं है जो एक्स्ट्रा पैसा आपने आज उसको दिया है वो उसको रिटेन करने का एक खर्चा है अगर ये सब हम लोग नहीं सोचेंगे तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी गई बात और रियल में जो हम कर रहे हैं वो कभी मैच नहीं करेगा सिंपली दस लाख का लोन दिखा के तीन साल चार चार दो लेना और रियलिटी ये बताना कि भैया इसको जो लोन दिए हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इसके पीछे कारण है क्या कारण है मैं चाहता हूं ये तीन साल मेरे यहां काम करे और मेरे यहां छोड़कर तो हम हर साल जो सैलरी बढ़ाते हैं पंद्रह 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 परसेंट वो सैलरी इंक्रीमेंट के बाद भी ये छोड़ के चला जाता उसकी जगह क्या होगा अब ये मेरे पास टिकेगा ये छोड़ के जल्दी से नहीं जाएगा एम्प्लॉ को रिटेन करने के लिए आपको उसको कुछ तो देना पड़ेगा बहुत सारे तरीके से हम उसको बेनिफिट देते हैं जिसमें यह तरीका इंटरेस्ट फ्री लोन भी एक होता है बहुत ईज हमारे ड्राइवर जी लोग होते हैं वो लोग होते हैं जिनको कभी भी प्रॉब्लम होता है तो हम बोलते हैं ठीक है आप एक बार पचास हजार रुपया ले लीजिए धीरे धीरे आप सैलरी में कटवा देना सैलरी में कटवा देना मतलब वो हर महीने मेरे को पांच हजार रुपया करके वापस कर रहा है मैं उससे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता क्यों इंटरेस्ट नहीं लेता पता है क्योंकि मैं चाहता हूं वो मेरे यहां काम करे वो छोड़ कर ना जाए तो जो तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो ना तुम एहसान नहीं कर रहे हो उतना फायदा तुम उससे काम करवा के निकालने वाले हो तो जो तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो वो एक्चुअली उसको रिटेन करने का एक खर्चा है जो तुम्हारे बुक्स में दिखना चाहिए अगर मैं नॉर्मल अकाउंटिंग करता बैंक टू लोन फिर लोन टू बैंक लोन टू बैंक लोन टू बैंक या लोन टू बैंक पहले दिया लोन फिर बैंक टू लोन बैंक टू लोन बैंक टू लोन क्या वो सही रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होता नहीं होता इसी को हम लोग पता है क्या बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म कई सारे एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं जिससे मैं तुमको सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता सकता हूं एक सिंपल एग्जाम्पल ऐसा भी लिया जा सकता है देख क्या हुआ मिस्टर एक्स है हम है 25 मार्च के दिन हम लोग दोनों एक साथ बैठे थे चाय पी रहे थे मिस्टर एक्स बोला यार भैया एक लैंड है बेचना था मैं बोला यार मेरे को भी एक लैंड खरीदना था फैक्ट्री बनाना है बोला चलिए भैया सौदा करते हैं बैठ के मेरा लैंड है इतना इतना एकड़ का एक करोड़ रुपया में हम बेचेंगे मैं बोला चल पक्का एक करोड़ रुपया मैं हम खरीद लेंगे बोला भैया कब खरीदेंगे मैं बोला अभी पाँच लाख रुपया एडवांस ले दो दिन के अंदर अग्रीमेंट बना साइन करवा और लैंड मेरे नाम पर कर दे जो लैंड की रजिस्ट्री है ना रजिस्ट्री गवर्नमेंट के साथ वो हम लोग थोड़ा टाइम मिलने पर करवा लेंगे तो क्या हुआ 27 मार्च तक इसने एक अग्रीमेंट बनवाया मैंने पांच लाख रुपया पहले दे रखा था थोड़ा और एडवांस दिया और हमने इन प्रिंसिपली डिसाइड कर लिया कि वो मेरे को लैंड बेच रहा है उसने मेरे को बोला अविनाश भैया आप कामकाज शुरू करवा दीजिए आपको वेट करने का दरकार हमारा इतना भरोसा है कि आप काम करवा लीजिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है हम लोग ये काम कर लिए थर्टी मार्च से पहले बट जो लैंड का नाम का पलटाई होगा ना उसके नाम से लैंड मेरे नाम पे आएगा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं क्या बोलते हैं रजिस्ट्री करवाना वो हुआ पंद्रह अप्रैल को क्या कितना अप्रैल को पंद्रह बीच में आ गया थर्टी फर्स्ट मार्च अब माय क्वेश्चन इज सर ये लैंड का परचेज सेल हम लोग इस साल रिकॉर्ड करें क्योंकि इस साल हमने अग्रीमेंट कर लिया या नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करो क्योंकि रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर हुआ है

एसेट पर बोलते हैं ओनरशिप होना चाहिए ओनरशिप लीगल ओनरशिप हो जरूरी नहीं है अगर आपके पास ओनरशिप के राइट्स है आप कंट्रोल कर सकते हो तो भी हम मानते हैं आप ओनर हो तो अगर ये मेरे को 25 मार्च को को लैंड का बात कर लिया 27 अग्रीमेंट बना के पेमेंट ले लिया लैंड का पोजिशन दे दिया तो इन प्रिंसिपल सब कुछ हो चुका है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बाकी है क्या चीज की रजिस्ट्रेशन की वो रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी 10 दिन बाद होने का मतलब ये नहीं है कि हमने लैंड का बेचा बेची नहीं किया ये सारी चीजें कहां से आती है बोलो सब्सटेंस ओवर फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंटर लेवल पे पढ़ेंगे उस पर सब्सटेंस ओवर फॉर्म होगा बट फाइनल में जब इंडियस पढ़ेंगे ना हर इंडियस इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है इंडिया में इसको निचोड़ के एकदम डाल दिया गया है कि कोई भी बच्चा अगर इंडिया पढ़ने बैठा है दिमाग इतना खुला होना चाहिए कि यह सब चीजें उसके दिमाग में घुसनी चाहिए अगर ये सब चीज दिमाग में नहीं घुस रहा है तो वो इंडियस नहीं पढ़ पाएगा तो हम लोगों को ट्रांजैक्शन का हमेशा क्या देखना है इकोनॉमिक रियलिटी देखना है या उसका लीगल फॉर्म देखना है इकोनॉमिक रियलिटी जनरली इकोनॉमिक रियलिटी एंड लीगल फॉर्म सेम होते हैं बट कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शन में रियलिटी और लीगल फॉर्म डिफरेंट होंगे हम लोग हमेशा किसको फॉलो करेंगे रियलिटी को और हमारा अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही इकोनॉमिक रियलिटी को दर्शाना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कर कुछ और रहे हैं बोल कुछ और रहे हैं जो कर रहे हैं वही सामने वाले को बताना पड़ेगा अगर मैंने इंप्लॉई को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है तो मेरा इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको रिटेन करना है और जो इंटरेस्ट में नुकसान कर रहा हूं वो इंटरेस्ट का नुकसान नहीं हो रहा है उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट मैं इससे तीन साल सर्विस लूंगा अगर वो तीन साल सर्विस लूंगा तो वो मेरे को इम्प्लॉय कॉस्ट दिखाना पड़ेगा तो हमेशा हम लोग जब भी अकाउंटिंग करेंगे ना वी विल ऑलवेज फॉलो सब्सटेंस ओवर फॉर्म तो मैं बोलूं लॉजिक मस्ट प्रिवेल ओवर व्हाट इज रिटर्न लॉजिक मस्ट ऑलवेज प्रिवेल ओवर व्हाट इज रिटर्न हो सकता है लिखे हुए में जो हमको दिख रहा है वो नहीं है उनके बीच में बात कुछ और हुई है तो जो ट्रांजैक्शन का लॉजिक है हमेशा उसी के बेसिस पे अकाउंटिंग किया जाएगा तो देख रिलायबिलिटी के लिए क्या चाहिए नंबर वन फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए नंबर टू ट्रांजैक्शन इवेंट्स ट्रूली रिप्रेजेंटेड होने चाहिए नंबर थ्री सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ऊपर अकाउंटिंग होना चाहिए नंबर फोर मैं बोल सकता हूं प्रूडेंस का फॉलो होना चाहिए प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज अगर कोई फ्यूचर लॉस फ्यूचर लायबिलिटी एंटिटी को लगता है उसके ऊपर आ सकता है तो उसको प्रूडेंट होकर अपने प्रॉफिट लॉस में उस लॉस या लाइबिलिटी को प्रोवाइड करना चाहिए ये हमारा कंजर्वेटिज्म बोलता है अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन फॉलो करते हो तो हम बोलेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है तो सर एक बार बताओ ना वो जो वो जो आप पहले एग्जाम्पल लिए थे सेल वाला उसका एंट्री कैसे करेंगे वो सेल वाले ट्रांजेक्शन का देख एंट्री क्या करूंगा आज मैंने उससे लोन लिया पांच लाख का लोन लिया मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स नहीं बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन स्टॉक गिरवी रख के पांच लाख का लोन लिया और फिर मैंने उसको एक महीने बाद पेमेंट किया बीस हजार और स्टॉक मेरे पास वापस घर पे आ गया और स्टॉक सिक्योरिटी पे दिए सिक्योरिटी पर देने का कोई अकाउंटिंग नहीं होता क्योंकि उसमें कोई कंट्रोल ट्रांसफर वो सिर्फ एक महीना होल्ड करके रखेगा जैसे ही एक महीना खत्म होगा वो मेरे को माल वापस तो मैंने कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया सिर्फ पोजेशन उसके पास रखा है ताकि वो सिक्योर्ड रहे कि ये मेरा पैसा लेके कहीं भागने वाला नहीं है तो मैं जर्नल एंट्री करूंगा बैंक टू लोन लाख फिर लोन का रिपेमेंट करूंगा तो लोन अकाउंट डेबिट पांच लाख इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बीस हजार टू बैंक पांच लाख बीस हजार तो देख कहां सेल्स परचेज था और कहां पे हमने क्या बना दिया उसको लोन क्योंकि रियलिटी वाज वो ट्रांजेक्शन लोन ही था वो ट्रांजेक्शन कोई परचेज सेल नहीं था

फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको एक मशीन चाहिए मशीन का कॉस्ट है पांच करोड़ मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि पांच करोड़ अपफ्रंट पेमेंट करके हम आज ही मशीन खरीद ले तो मैंने क्या किया एक लीजिंग कंपनी को पकड़ा एक हायर परचेज कंपनी को पकड़ा श्रेय फाइनेंस श्रेय फाइनेंस को बोला श्रेय फाइनेंस तुम एक काम करो तुम ये मशीन मेरे को एक पर्टिकुलर कंपनी उससे खरीद के लाकर दो तुम उस कंपनी से जो हिसाब करना है करो मैं तुमको ये पांच करोड़ का पेमेंट तीन साल में करूंगा दो करोड़ दो करोड़ दो करोड़ सर गलत बोल रहे मैं विथ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं रे दो करोड़ दो करोड़ दो करोड़ तीन साल का इंटरेस्ट एक करोड़ रुपए का जो भी हमारी बात हो गई मैं वो आज पांच करोड़ की मेरे को मशीन देगा मैं पेमेंट करूंगा दो दो, दो। जिस दिन पेमेंट पूरा हो जाएगा उस दिन वो मेरा ओनरशिप भी मेरे नाम पे ट्रांसफर हुआ ये अब ये जब ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट्स में दिखाते हैं ना नॉर्मली मेरा बेसिक माइंड बोलता है लीगल फॉर्म को देखकर कि एसेट आज के दिन मेरा नहीं है श्रेई का है क्योंकि लीगल ओनरशिप ऑफ द एसेट किसके पास है बट रियलिटी सोचो एसेट किसके पास है मेरे पास एसेट को यूज कौन कर रहा है हम एसेट का सारा कंट्रोल किसके पास है मेरे पास अगर सब कंट्रोल मेरे पास है रिस्क रिवॉर्ड मेरे पास है सब कुछ मेरे पास है तो एसेट हमको रिकॉर्ड करना चाहिए कि श्रेई को हमको सही तो बोलेगा मैंने एसेट बेच दिया बस पैसा धीरे धीरे मिलेगा अविनाश बोलेगा मैंने एसेट खरीद लिया बस पैसा धीरे धीरे देना है लीगल ओनरशिप यानी पेपर में नाम तीन साल बाद भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता बट एसेट का कंट्रोल सारा मेरे पास आज ही आ गया तो मेरे को एसेट को आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए तो अगर कोई बच्चा सोचेगा ना कि सर तीन साल बाद ओनरशिप आएगा तब हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे वो बच्चा एक गलती कर रहा है वो ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस को समझा ही नहीं अगर मेरे पास है, है, तो हमारा accounting standard बोलता है, आप इस को record कर सकते हो। मैं पहले दिन एंट्री पास करूंगा फिक्स्ड एसेट या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू श्रे फाइनेंस पांच करोड़ का मशीन है और श्रे फाइनेंस को पांच करोड़ देना है फिर हर साल इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के श्रे फाइनेंस को दो करोड़ रुपए का पेमेंट करते जाऊंगा तो सर जिस दिन आपके पास लीगल ओनरशिप आएगा उस दिन क्या करोगे कुछ नहीं करना है क्योंकि मशीन तो मैंने पहले ही डे पर रिकॉर्ड कर लिया तो वो लीगल ओनरशिप आने से मेरे यहां कोई चेंज नहीं होगा एसेट का सारा रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ मेरे पास है तो मैं बोल सकता हूं वो मेरा एसेट है वो श्रेय का एसेट नहीं है क्या रिलायबिलिटी वर्ड और सब्सटेंस ओवर फॉर्म वर्ड समझ में आया रिलायबल होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया हुआ इंफॉर्मेशन अगर वो रिलायबल है तभी उससे सही डिसीजन मेकिंग हो पाएगा मैंने तीन चार एग्जाम्पल लिए टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्सटेंस व्हाट इज लीगल फॉर्म एंड अकाउंटिंग हमेशा किसके बेसिस पे होगा सब्सटेंस के बेसिस पे हम लोग जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तब आपको दिखेगा बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहां पे आपको सोच के लगेगा सर ऐसे भी तो कर सकते हैं बट आप देखोगे बोलेगा सब्सटेंस के कारण ऐसा नहीं करना है ऐसा ही करना पड़ेगा

इन्फोसिस बोली हम तो इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं बट हम लैंग्वेज ना चाइना वाला यूज करेंगे अच्छा लगता है बोला वो यूज करने से होगा नहीं क्योंकि जो आदमी पढ़ेगा उसको कुछ समझ में आपको जो वर्ड यूज करना है जो ज्ञान देना है वो विद इन दी एम्बिट ऑफ इंडियन लॉ दीजिए ताकि इंडियन जब पढ़े तो उसको ईजिली समझ में आपका अगर चाइना में भी स्टेक होल्डर है तो उनको अलग से बना के दे दीजिए हमको प्रॉब्लम नहीं है बट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आएंगे वो ऐसे आने चाहिए जो एक नॉर्मल पर्सन विद अ बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी उनको समझ सके तुम यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह लिख रहे हो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम आधा लोग बोलेगा क्या है कभी सुने ही नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया में हम लोग क्या वर्ड सुनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही समझते हैं हम लोग कभी स्टेटमेंट ऑफ इनकम सुना ही नहीं वो लिख रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एसेट लाइबिलिटी है बट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन अभी भाई हमने कभी सुना ही नहीं हम तो बैलेंस शीट जानते हैं तो आप जब कोई चीज बताओ कोई चीज लिखो कोई वर्ड्स यूज करो वो ऐसा यूज करो कि एक जनरल आदमी को भी वो सारी चीजें समझ में आनी जिसके पास बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी है अब तुम इंजीनियर को बोलेंगे अकाउंट समझ लो बिना कुछ देखे समझे तो वो मुश्किल हो जाएगा हां वो एमबीए किया हुआ है या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा हुआ है या वो बिजनेस जानता है तो उसको समझ में आना चाहिए तुम एक पांच साल का बच्चा को बोल रहे पढ़ के दिखा तो तेरे को समझ में आ रहा है नहीं समझ में आएगा बिकॉज उसके पास कभी अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज ही बिजनेस और अकाउंट्स की जिनके पास बेसिक नॉलेज हो उनको पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए ये अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी जब भी जो भी यूज करोगे वो कौन सा यूज करोगे जो यहां पर चलता है वही यूज करोगे बाहर के ज्ञान यहां पर देने का दरकार तुम बोल रहे हो ये चीज ना हम लोग यूएसए में डिस्क्लोज करते हैं आपको भी बता दिए दे ध्यान रखिएगा बोला हमको इसका कोई काम नहीं है हमको नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन के लिए जरूरत नहीं है आप नहीं भी देंगे तो चलेगा हमको इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं है हाँ वो इंफॉर्मेशन अगर मटेरियल आप दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दीजिए इम मटेरियल इंफॉर्मेशन ओनली बिकॉज यू वॉन्ट टू कंप्लाई विथ यूएस लॉज हमको नहीं चाहिए वो क्योंकि हमारे यहां वो मैटर नहीं करता और लास्ट क्या बोला कंपेरेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबिलिटी नहीं कर पाएगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस ही पॉसिबल नहीं है और एनालिसिस पॉसिबल नहीं है तो डिसीजन मेकिंग ही पॉसिबल आप आईटीसी के एक शेयर होल्डर हो अब आईटीसी हर क्वार्टर हर हर ईयर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली बनाकर नहीं देगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं होंगे कंपेरेबल नहीं होंगे तो आप कभी ये सोच ही नहीं पाएंगे कि आईटीसी ने करंट ईयर में बेटर परफॉर्म किया है कि खराब परफॉर्म किया है तो बोला जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ जब भी अकाउंटिंग करो ट्राई करो कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो सर कंपेरेबल कैसे होंगे जब आप सिमिलर ट्रांजेक्शन को सिमिलर पॉलिसीज यूज करके हर साल रिकॉर्ड कर रहे हो आपने इस साल इन्वेंट्री को वैल्यू किया था फीफो पे तो नेक्स्ट ईयर जब आप इन्वेंट्री को वैल्यू करो किसपे करो फीफो आप कंटिन्यूसली वही पॉलिसीज फॉलो करो फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन बार बार पॉलिसीज चेंज मत करो क्योंकि अगर आप पॉलिसीज बार बार चेंज करोगी तो आपकी इंफॉर्मेशन कंपेरेबल रहेगी कि नहीं रहेगी नहीं रहेगी आप जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ उसमें करंट ईयर के फिगर के साथ प्रीवियस ईयर के फिगर दो जब आप प्रीवियस ईयर के फिगर दोगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हम बहुत इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि ईयर ऑन ईयर क्या चेंजेस हो रहा है उससे हमको पता चलेगा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है कंपेरेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कंपनी लॉ में शेड्यूल थ्री ने बोला जब भी कंपनी अपना बैलेंस शीट देगी पीएल देगी उसमें करंट ईयर के फिगर के साथ साथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के फिगर्स भी होने चाहिए कंपेरेबिलिटी इंश्योर करने के लिए हमने एक प्रिंसिपल लाया कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल जो बोलता है अगर आप कोई ट्रांजेक्शन किसी पॉलिसी से रिकॉर्ड कर रहे हो तो हर साल सेम पॉलिसी यूज करके ही उसको रिकॉर्ड करो बार बार पॉलिसी चेंज ये फंडामेंटल अजम्पशन है कंसिस्टेंसी का कि जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो इवेंट्स प्रेजेंट कर रहे हो वो हमेशा सेम पॉलिसीज यूज करके ही प्रेजेंट होने चाहिए हम लोग कंपेरेबिलिटी ना दो दो पार्ट में देखते हैं एक इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन और एक इंटर कंपैरिजन। व्हाट इज इंट्रा फर्म के अंदर मतलब आईटीसी का लास्ट ईयर से करंट ईयर में क्या हुआ वो कंपैरिजन करना ताकि हमको पता चले कि आईटीसी ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्म कर रहा है ग्रोथ है या नहीं है <coughs> सेम चीज इंटर फॉर्म कंपैरिजन क्या हुआ एक दूसरे में अगर मान लो आज तुमको लगता है कि इंडिया का इंडिया का जो एफ सेक्टर है नेक्स्ट पांच साल में बहुत आगे जाएगा बहुत रेस रेस में बहुत आगे जाएगा शेयर प्राइस एफ कंपनीज का अच्छा बढ़ेगा अब एफ कंपनी में मान लो पांच प्लेयर्स है बहुत प्लेयर्स है एच है आई है पतंजलि है डाबर है गोदरेज है बहुत सारे लोग हैं जो एफ सेक्टर में है अब ये एफ सेक्टर में इतने सारी कंपनीज है अगर आप ये चाहो यह देखना कि हमको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है बताओ बेस्ट कंपनी कौन सी है तो तुमको उन सारे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके देखना पड़ेगा कि कौन से कंपनी का रिजल्ट अच्छा है और उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे मेरे को किस कंपनी में जाना है अगर सारी कंपनियां अलग अलग रूल्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल होगा इसीलिए बोला गया सारी कंपनी अगर एक सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करके अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो इससे हमारा कंपेरेबिलिटी इन्हांस होगा और अगर कंपेरेबिलिटी इन्हांस होगा तो डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होगा इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी कर दिया गया कि कोई भी कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके सेम रूल से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा इसीलिए सारी कंपनी के लिए बोल दिया गया बैलेंस शीट पीएल जब भी बनाओगे शेड्यूल थ्री का फॉर्मेट यूज करना है अपने हिसाब से नया नया फॉर्मेट यूज ये सब क्यों किया जा रहा है ताकि हम लोग क्या कर सके कंपेरिबिलिटी इंश्योर कर सके ये कंपेरिबिलिटी आएगा जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे जब आप लॉस फॉलो करोगे तो ये कंपेरिबिलिटी आने से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे एंड उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाएंगे अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चार फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं बोलूंगा मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है 100% नहीं बोलूंगा तो 99 तो बोल ही सकता हूं कि जो बोला है वो सब सही है आप इसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए कोई प्रॉब्लम होने वाला तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बनाना चाहते हैं तो तीन चीजों को ध्यान रखिएगा लॉस से कंप्लाई होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई होना चाहिए और उसमें चार क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए रेलिवेंस रिलायबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी कंपेरेबिलिटी अब ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक वगैरह है ना कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन में या अब तो एमसीक्यूज आएगा एमसीक्यूज में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए बट हम लोग ना कभी इनको बैठ के लर्न नहीं करेंगे वर्ड समझ में आ गया तो एग्जाम में चार लाइन मन से बना के लिख पाएंगे क्या किसके अंदर क्या लिखना है ये सब को लर्न करने बैठेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूं छह सब्जेक्ट है और सिलेबस अभी शुरू हुआ है कितनी चीजों को याद रखेंगे हम लोग कभी भी लर्न नहीं करेंगे हम लोग का जो समझा हुआ है उसी को एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है वर्ड्स आने चाहिए जैसे रिलायबिलिटी के अंदर सब्सटेंस ओवर फॉर्म रिलायबिलिटी के अंदर फ्री फ्रॉम बायस रिलायबिलिटी के अंदर प्रूडेंस ये सब वर्ड्स आएंगे ना तो उसको समझ में आ जाएगा तुमको कॉन्सेप्ट पता है क्या करना है उनको बस वो वर्ड चाहिए उनको पूरा ऐसा लाइन बाई लाइन ज्ञान नहीं चाहिए वो लोग एक लाइन पढ़ते भी नहीं है वो लोग देखते हैं कि आपने सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर की है कि नहीं की है क्लियर है ट्रू एंड फेयर व्यू लिखे बच्चे का एक क्वेश्चन है सर अगर आप उस लोन के ट्रांजैक्शन को सुनना लोन के ट्रांजैक्शन को लोन नहीं दिखा के सेल दिखा दो तो किसको ही पता चलने वाला है वही तो बोल रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू की बात कर रहे हैं कि भाई लोगों को पता चलवाना है आपको सही सही बात बताना है आपको गलत सलत बात और इसी के लिए स्टेक होल्डर और मैनेजमेंट यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा उसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है तुम ऑडिटर वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड ऑडिटर होता है ऑडिटर ऑडिटर का काम क्या होता है मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के स्टेक होल्डर को प्रेजेंट करेगा वो स्टेक होल्डर को प्रेजेंट करने से पहले एक बार चेक कर लेता है जो बात लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है और वो अगर ठप्पा लगा दे कि जो मैनेजमेंट ने बोला है यहां पर सब सही सही बोला है तो हम मान लेते हैं कि जो बोला हुआ है वो ट्रू एंड आप देखेंगे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव इज टू गिव एन ओपिनियन वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स कंपनी और नॉट ऑडिटर का काम ही नहीं है मैनेजमेंट का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ऑडिटर का, का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके ओपिनियन देना और स्टेक का होल्डर का काम होता है उस ओपिनियन के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के डिसीजन लेना अगर सर ऑडिटर मिला हुआ हो गया तो वही होगा जो सत्यम में हुआ वही होगा जो सत्यम में हुआ क्योंकि वहां पे भी ऑडिटर कहीं ना कहीं चीजों में शामिल थे आजकल कभी ऐसी न्यूज आती है ना कि ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया अचानक से ऑडिटर छोड़ के चला गया तो तुम देखोगे एक बार शेयर मार्केट ना अलग टाइप का हो जाता है क्योंकि अब लोगों को समझ में आने लग गया कि ऑडिटर अगर बोल रहा है नहीं बोल पा रहे हैं हम कुछ नो कमेंट्स नो कमेंट्स मतलब अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है जो बच्चा लोग बोला अभी वाई के ऑडिटर ने सर रिजाइन किया वो शायद इसीलिए वो लोग बोला अपना क्लैरिफिकेशन अलग से दिया है कि ये लोग रिजाइन इसलिए नहीं किया कि अंदर कुछ गोलमाल चल रहा है ये लोग रिजाइन किया क्योंकि ये लोग बोला हम लोग ऑडिट असाइनमेंट अब नहीं कंटिन्यू करना चाहते दूसरे को बुला लीजिए वही कंटिन्यू करेंगे बट हमारे हिसाब से कुछ गलत गलत नहीं है अंदर बट रियल में ऐसा होता नहीं है रियल में वो देख रहा है गलत शलत हो रहा है अगर हम टिके रह गए और रेस नहीं किए वॉइस टिके रह गए साइन करते चले गए तो बाद में जाके हम फंस जाएंगे वो नहीं दे रहा है टाइम पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको आप बोलिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम कभी टाइम का भी हो सकता है तो अब अब ये एक तरीका हो गया ये बताने का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही बट वो क्या डायरेक्टली ये बोला कि झोल झाल हो रहा है आप लोग देख के पैसा नहीं बोला बोल थी थी। सर डायरेक्टली नहीं बोला डायरेक्टली बोल वो वो मुश्किल हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा कुछ न, केस वेस तो क्या ही करेगा क्यों नहीं बोलते हैं पता ये डायरेक्टली कि भैया ऐसा है देखो चार्टेड अकाउंटेंट से ना चार्टेड अकाउंटेंट को लोग क्यों हायर करते हैं पता है ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए छी, छी. जी, जी, तो भविष्य है व्हाइट लेके जाएंगे ऐसा नहीं बोलते चार्टेड अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ लॉ बिकॉज यू हैव गुड नॉलेज ऑफ लॉ यू नो हाउ टू हाउ टू ब्रेक लॉ नहीं हाउ टू हाउ टू इंटरप्रेट लॉ इन फेवर ऑफ योर क्लाइंट लूपोल्स डिजाइन देख निकाल लेना कि नहीं ये नहीं ऐसा बोलो कि हमने ऐसा किया है तो वो छोड़ देगा ये चार्टेड अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेड है बट अगर चार्टड अकाउंटेंट मान ले कोई खड़ा होके बोलने लग जाए नहीं हम तो आपका केस नहीं लेंगे आप चोरी किए हैं तो वो वो जो जो कंपनी वाला ना वो बोलेगा भाई हम भी नहीं आएंगे और आगे से सबको बोल देंगे तुम ऐसा करते हो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हम संत आदमी है मेरी तरह तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रह नहीं पाएगा टीचर बन, बन जाएगा वो <laughs> रियालिटी इस अगर आप एक सीए है कोई काम कितना भी गंदा हो टेढ़ा हो और आपको लग रहा है ये गलत है तो भी आपको करना पड़ता है क्योंकि पापी पेट का सवाल है भाई हमको तो अपना धंधा चलाना है और हम अगर गंदे केस को निकाल देंगे तो मेरे पास नाम जो बनेगा ना उससे पैसा हर महीना हर साल अपने आप आएगा कि भाई ऐसा केस इसको दे दो तो ये निकाल देगा और वहीं हम बोल दिए नहीं, नहीं आप चोरी किया हम मोदी जी को बता देंगे बोला जाइए बताइए <laughs> कभी नहीं होता है पब्लिकली तो कभी नहीं हो सकता वो हिंट देते हैं आप उस हिंट से समझ गए तो ठीक है नहीं समझे तो गए तो हिंट उन्होंने यही दिया कि ये लोग सब टाइमली कर नहीं रहे हम लोग का हो नहीं रहा है काम हम लोग छोड़ के जा रहे हैं जो नया आ, आ रहा है वो देख लेगा हमको मतलब नहीं बट रियलिटी वाज नॉट दिस रियलिटी इज समथिंग एल्स हो सकता है कि वहां जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही और उनको बोला जा रहा है तुमको इसी चीज पर साइन करना है तुम कर दो ऑडिट फीस तभी देंगे इन दैट केस उन्होंने डिसाइड किया हम छोड़ देंगे क्योंकि हम फंसे रह गए तो मेरा भी वही हाल होगा जो पीडब्ल्यू का हुआ था सत्यम स्कैम में जो दो चार्टेड अकाउंटेंट इन्वॉल्व थे उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया उनको जेल हुआ क्योंकि यहां पे किसका पैसे का बात है पब्लिक का पैसा का बात है और अगर पब्लिक का पैसा का कोई आपने नहीं किया सो तो पब्लिक का पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक का पैसा मरा है उसमें अगर कोई सेंटिमेंटल नहीं होगा ना उसका सरकार गिर जाएगा तुम सोचो उस उसके कारण सहारा का जो मालिक है वो जेल में है और वो सहारा का जेल में था ना छूट अभी छूटा तो पता नहीं जेल में तो गया तो था जेल में जबकि उस आदमी का औकात पता है क्या था वो वो एक ऐसा आदमी था जो पॉलिटिशियन नहीं भी होके, हर से कनेक्टेड है उनका इतना आज आज अगर अंबानी जी जेल चले जाए सोच रहे हो क्या हो जाएगा वो वैसा था उस समय सहारा उस समय कुछ नहीं था सारे प्रोजेक्ट सब कुछ सहारा के पास थे हर एक धंधे में सहारा इंडिया इंडिया जर्सी इंडियन जर्सी क्रिकेट टीम का जर्सी सहारा सबसे बड़ा सबसे बड़ा पैसा एडवर्टीजमेंट स्पॉन्सरशिप में खर्चा करने वाला ही सहारा था उनको अगर जेल जाना पड़ा मतलब पब्लिक का पैसा अगर इन्वॉल्व हो जाए और ये ये स्टेप नहीं उठाएंगे ना सरकार उखड़ जाएगा सरकार उखड़ जाएगा पब्लिक वोट ही नहीं करेगा बोले तो सलाह मेरा पैसा फंसा तुम कुछ कर नहीं रहे हो वोट ही नहीं, नहीं देंगे इसको हमारा तो पावर पांच साल में एक बार आता है और वो पांच साल में जब एक बार पावर होता है हम लोग अपना औकात दिखाते हैं नहीं तो पांच साल में हमारा कोई इज्जत नहीं है 2024 नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे इस सब में नो कमेंट्स ऑन कि किसको वोट देना है क्या देना है वो तो अपना 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 दो तो। तुम्हारी उंगली है जहां करना है करो <laughs> अरे मतलब क्या तुम लोग क्या समझ रहे हैं पता नहीं बट आई वॉन्टेड टू से तुम्हारी उंगली है जिसको वोट देना है वोट दो दबाओ ठीक अब दो बार रिपीट मत कर क्या तो हम थोड़ी कुछ बोले आप कुछ समझे तो हम क्या करें तुम्हारा उंगली गंदा होगा तुम्हारा उंगली काला होगा तुमको जो करना है करो क्या हो गया विश वो वो बच्चा या बच्ची कोई भी वो लिख रहा है छी क्या हो गया आई डोंट नो वॉट यू अंडरस्टैंड बट आई वॉन्टेड टू से तुम्हारी अंगली है जहां वोट करना है करो हम क्या बोलेंगे उसमें ठीक है एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग एल्स मतलब तुम सोचो तुम कितने तेज हो <laughs> मम्मी पापा जो ये 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 देख रहे हैं आपका बच्चा सीधा नहीं आप ध्यान रखिएगा हम लोग को गाली पड़ता है बट आपका बच्चा पहले से ही सब कुछ जानता है लिखे ट्रू एंड फेयर व्यू हेडिंग दिया हुआ था ये बनाएं सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट कंप्लाई विथ मस्ट कंप्लाई विथ एप्लीकेबल लॉस नंबर टू वैसे अदानी वाला ये बच्चा बोल रहा अदानी का ऑडिटर रिजाइन किया है क्या कि ये मेरे को पता तो नहीं बट एक बात जरूर आया है कि अदानी में जो कुछ हिंडन का वो हुआ ना वो इंडिया की कुछ कंपनीज ने वो पहले से ही वो रिपोर्ट बना के उनको दी कि ऐसा रिपोर्ट रिलीज करो और इस कंपनी का शॉर्ट सेलिंग में खाली बाहर के लोग नहीं इंडिया की कुछ कंपनीज भी इन्वॉल्व है और ये ये स्टेटमेंट किसने दिया पता है? ईडी ने ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसके केस में फंस गए तो जिंदगी भर नहीं छूट पाओगे दो तीन ऐसा ऐसा लोग हैं जिनमें केस में कभी फंस मत फंसना ईडी नार्कोटिक्स सीबीआई। ये तीन में फंस गए तो जिंदगी भर जेल का चक्कर तो कटते रहेगा और एक तो वो आर्म्स एक्ट आर्म्स एक्ट में तो नहीं जाओगे तुम तुम मिर्जापुर वगैरह तो नहीं हो वहां के नहीं हो तो आर्म्स एक्ट ठीक है बट ईडी नार्कोटिक्स और सीबीआई ये फंस गए तो या तो तुम पॉलिटिशियन हो तो निकलोगे या नॉर्मल आदमी हो तो जिंदगी भर फंसे रहोगे यहां से निकलना इज इम्पॉसिबल वो उसका बेटा होने से तो कहीं से भी निकल जाएगा बट वो कितना दिन चला था और वो जोर का चला था हाँ वो तो बोला जाता है कि किसी के इशारों पे चलती एजेंसियां बट ऐसा कुछ हद तक है कुछ हद तक नहीं है अगर इनको इंडिपेंडेंटली काम नहीं दिया जाएगा नहीं करने दिया जाएगा तो कंपनी का इकोनॉमी हिल जाएगा दे वर्क मोस्ट मोस्ट ऑफ दी टाइम इंडिपेंडेंटली अनलेस कोई पुराना दुश्मनी निकालना हो जब तुम पावर में थे मेरे पीछे सीबीआई छोड़े थे अब हम तुम्हारे पीछे ईडी छोड़ेंगे टली बहुत हद तक होता है इसीलिए तो बोलते आने दे फिर बताएंगे वो लोग तो मेरा वक्त आएगा तब हम बताएंगे और ये रियालिटी ऐसा होता है इसीलिए पॉलिटिक्स बहुत गंदा चीज है जब तक तुम्हारा समय है सब कुछ ठीक है जिस दिन समय गया अंडरग्राउंड हो जाओ नहीं तो कुछ नहीं छोड़ेगा वो लोग ऐसा होता है लोगों को मार पड़ता है अपने देख नहीं सकते और वो तुम कोई पुलिस पुलिस फिर कुछ काम नहीं करता है जो पावर में है सब उसके हाथ में है इसीलिए पॉलिटिक्स में मारवाड़ी आदमी घुसने का जल्दी से सोचता नहीं है क्योंकि उसको डंडा से बहुत डर लगता है वो लोग सब लोग पता है कहां से आया है आरएसएस वो जो रूट है ना वो रूट बहुत स्ट्रांग है आरएसएस का और अगर वो है ना बहुत वो आदमी जो उस उस संस्था में है नाइन्टी परसेंट चोर नहीं होगा उस संस्था का वो लेवल है क्योंकि लोग जो काम करते हैं हमने देखा है जितना भी बड़ा आपदा आता है एक तो जो अपनी एनडीआरएफ की टीम्स वगैरह जाती है वो जाती है तुमको एक टीम हमेशा दिखेगा वहां पे उस जगह का लोकल आर एस एस वो दिखेगा ही तुमको और वो उनका पॉलिटिक्स से वो बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बट वही पॉलिटिक्स चलाते हैं दम है उनमें एंड दैट दम इज इंपॉर्टेंट जरूरी है वो आइए आप लोग मेरे से ऐसा वर्ड्स क्यों चलो नहीं जाने दोगे ना तुम लोग डेमो फॉलोइंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोल चार बोला रेलिवेंस मैं अंदर ना लिखा नहीं रहा हूं कोई काम का नहीं है रेलिवेंस क्या बोला ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्कलोज इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेश फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट जब वो डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करेगा यानी मटेरियल इंफॉर्मेशन है तो डिस्कलोज करना पड़ेगा रेलिवेंस के बाद नंबर बी रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी में वी यूज वर्ड लाइक फ्री फ्रॉम बायस सब्सटेंस ओवर फॉर्म प्रूडेंस ये सब चीजें आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए नंबर सी ंडरस्टैंडेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा बनना होना चाहिए कि एक बेसिक आदमी जिसको अकाउंट और बिजनेस की बेसिक नॉलेज है वो भी समझ जाए नंबर डी कंपेरेबिलिटी कंपेरेबिलिटी दो लेवल में इंट्राफर्म एंड इंटरफर्म आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करो करेंट ईयर के साथ कंपेरिटिव फिगर्स दीजिए ताकि हम ईजिल समझ सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हुआ है कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है आप लोग बी कॉम में बनाते हो कोई कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाते हो क्या कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ट्वेल्व में था क्या कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग भी कंपेरेटिव बनाना सीखेंगे जब हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे कोई फॉलो कोई प्रॉब्लम नहीं देख क्या होता है मैं बताता हूं हमने अभी क्या बोला कंपेरेबिलिटी को इनहैंस इंश्योर करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जब तुम पढ़ेगा ना तुम देखेगा एक ही चीज के लिए एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव है जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीफो भी से भी हो सकता है वेटेड एवरेज से भी हो सकता है अब अगर मान ले रिलायंस ने अपने इन्वेंट्री को फीफो से वैल्यू किया है और सेम कंपैरेटिव कोई फर्म ने वेटेड एवरेज वैल्यू फॉलो किया है दोनों ही गलत नहीं है दोनों ही बिल्कुल सही है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने उनको ऑप्शन दिया है तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं पता है जो भी सिग्निफिकेंट पॉलिसी हम यूज कर रहे हैं वो तो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं तो जो आदमी कंपैरिजन करेगा ना वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ेगा उसके बाद कंपैरिजन करेगा वो ये देखेगा कि भाई ये जो डिफरेंसेस थोड़े बहुत है ये इसके कारण आए वो डिस्काउंटिंग यूज करते हैं वो बोलते हैं अगर इसका डिफरेंस है तो दो का इन्वेंट्री वैल्यूएशन में डिफरेंस आ सकता है अकॉर्डिंगली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो इसके लिए ही तो हम लोग बोले थे नोट्स टू अकाउंट्स में पहला डिस्क्लोजर होगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ताकि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट है दो फर्म्स की बिकॉज ऑफ यूजिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो डिफरेंस हमको पहले से पता रहे तो उसके लिए डिस्क्लोजर्स आ जाएंगे ये चारों क्लियर है क्या कंपेरेबिलिटी के लिए मैं एक वर्ड लिख रहा हूं कंसिस्टेंसी और एक वर्ड लिख रहा हूं कंपेरिटिव सर एक बार प्रूडेंस को बता दो ए प्रूडेंस तुम लोग समझता है सब नहीं समझता है तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूं जिंदगी भर याद रहेगा सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिए हो लाइफ में कोई तो एग्जाम दिए हो एक दो दो। एक इसका दुख था ये ऐसे दुखी मत हो अब हो गया जो हो गया ये सीए में टर्म्स गिनने का जरूरत नहीं है रे बहुत सारा लगेगा मतलब लग सकता है अरे मतलब लग सकता है हम ये बोलना चाहते हैं टर्म्स के बेसिस पे अपने आप को जज मत करो तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे जितना ज्यादा टर्म्स लगाओगे उतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगे। बट एक्सपीरियंस होना नहीं है हम लोग एक बार के एक्सपीरियंस से ही सब सीख जाएंगे अगर आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है तो पता है एग्जाम खत्म होने के बाद पहला काम आपका क्या होता है पेपर वो तो हम सिखाए तो तुमने पेपर फाड़ दिया बट क्या होता है कुछ बच्चे होते हैं वो पेपर फाड़ते नहीं है वो क्या करते हैं निकलते ही पहला काम करते हैं ये चेक करने का कि भाई कितना मार्क्स आ जाएगा चेक करते हैं अब जब आप ये मार्क्स काउंट करते हैं सुनना मार्क्स काउंट करते हैं पांच पांचवा का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा राइट है तो भी पता है आप क्या बोलते हैं मान ले चार ही देगा पांच में पांच कोई देता थोड़ी है भाई फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं बनाया है चार ही मान थ्योरी आते ही पांच में भाई दो भी मिल जाए तो चलेगा ऐसे करते हैं ये जो आप पांच में पांच नहीं लेके 4 3 2 ले रहे हैं इसी को प्रूडेंस बोलते हैं व्हिच इज टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ प्रोबेबल लॉसेस कि भाई हो सकता है जो आदमी चेक कर रहा है उसको आंसर पसंद नहीं आया वो पांच में चार दिया तो भाई हम पहले से ही मान के चल रहे चल तुम चार ही देगा तो मेरा चालीस आ रहा है या नहीं आ रहा है दिस इज प्रूडेंस हाँ कुछ लोग एक्सेसिव प्रूडेंस पूरा राइट करके भी भैया मान लीजिए पांच में एक ही आएगा बोला मैं मत जोड़ तू फेल है फिर मत जोड़िए कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है कुछ लोग एक ठो एक ठो स्टेप गलत होगा भैया सोलह में जीरो हम हाँ उसको बोलते तुम काउंट मत कर तेरे को चार दिखेगा टोटल फिर तुम बोलेगा हम हम फेल हो गए नेक्स्ट एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं तू ऐसा आदमी काउंट ही मत कर बट बेसिक प्रूडेंस क्या बोलता है आपको हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते समय अगर आपको लगता है कोई आपके एसेट्स लाइबिलिटीज में प्रोबेबल लॉसेस हो सकते हैं उन प्रोबेबल लॉसेस को इमीडिएटली अकाउंट फॉर करके फिर प्रॉफिट निकालो जैसे मैंने सब कुछ इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करके प्रॉफिट निकाला दस लाख रुपया हमको लगता है इस साल जिन जिन लोगों को हमने माल बेचा है जो मेरे डेटर्स, डेटर्स बैलेंस शीट में खड़े हुए हैं उनमें पचास हजार रुपए के ऐसे डेटर है जिनसे शायद नेक्स्ट ईयर पैसा नहीं आएगा तो क्या प्रॉफिट निकालते समय इस बात को कंसीडर कर लेना चाहिए कर लेना चाहिए ताकि अगर नेक्स्ट ईयर नहीं भी आए तो वो दुख ना हो नहीं तो क्या होगा तुम दस लाख का प्रॉफिट निकालोगे दस लाख के प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड बांट दोगे नेक्स्ट ईयर देखे पचास हजार आया ही नहीं सबको बांट दिए लड्डू खिला दिए पैसा आया ही नहीं तो इसके लिए बोलता है जब आप अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हो यू ऑलवेज अकाउंट फॉर एनी प्रोबेबल लॉस वज वट डज दर्ड प्रोबेबल मीनस प्रोबेबल मतलब ऐसा कोई लॉस जिसका आने का चांसेस हायर है जो आपको लगता है मेरे को लगता है यार 50 परसेंट से ज्यादा चांस है वो डेटर पैसा नहीं देगा अगर तुमको लगता है नहीं देगा तो उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर ले मान लीजिए सर वो नेक्स्ट ईयर दे दिया तो तो रिवर्स कर देंगे खत्म कर देंगे बोल देंगे लड्डू एक, एक एक्स्ट्रा खाओ यार वो पैसा दे दिया बट आज दो की जगह चार लड्डू बांट के फायदा नहीं क्योंकि हो सकता है वो पैसा आए ही नहीं कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है पेपर काउंट किए इतना ऑप्टिमिस्टिक होके काउंट किया अस्सी आ जाएगा अस्सी आ जाएगा ढिंडोरा पीट दिए फिर बेचारा रिजल्ट आया तो देखा तीस आया है अब वो किसी को मुंह ही नहीं दिखा रहा है ऑप्टिमिस्टिक होकर काउंट कर लेना इससे क्या होता है स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी रिजल्ट कभी उल्टा हुआ तो क्या होगा दिल टूट जाएगा वो लाइव पूरा जिंदगी भर सुनाएगा बोला हाँ तुम पहले भी बोला था अस्सी आएगा हम समझ गए कितना आएगा तुम्हारा सौ में एक सौ बीस कैसे बोलेगा सब लिख के आ गए हम। <laughs> एक सेकेंड तो बोलिए प्रूडेंस किसको बोलते हैं ये बात बात समझ में आया आप बोल अभी फिर देखो बच्चा अभी एक चीज बीच में लाया है अच्छा है ले आया वो मैं अभी अभी तुमको बता देता हूं अकाउंट्स देखकर टैक्स चोरी का बात नहीं करेंगे तुम जो इनकम टैक्स पढ़ोगे ना इनकम टैक्स में सर पहला ही दिन सर को बोल देना चाहिए जो अकाउंट्स में सीखा वो सब कुछ और था हम जो बोलेंगे वो मेरे यहां यही चलेगा तो इनकम टैक्स वाला पता है एक लाइन बोलता है हमारे यहां ऐसा ही होता है इनकम टैक्स वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बोलता है हमारे यहां ऐसा ही अब तुम जो बोला ना प्रोविजन फॉर बैड डेट आपने बना लिया और नेक्स्ट ईयर पैसा आ गया तो इनकम टैक्स वाला पहले ही बोल रखा है हम प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउ नहीं करते मतलब तुम दिखा भी दिया तो उसका कोई टैक्स बेनिफिट तेरे को बिल्कुल तो मतलब अकाउंट्स में जो पीएल बना रहे हैं इनकम टैक्स का जब बात करेंगे तो एक नया पीएल बनाना पड़ेगा बिल्कुल सब कुछ अलग है तो हम लोग जो अकाउंट्स में बातें कर रहे हैं ना वो यहीं तक सीमित है इनकम टैक्स में जाते ही सब चेंज हो जाएगा और वो वो लाइन जो तुम लोग बोला वो सही बोला एकदम हमारे यहाँ अगर ये लाइन याद रखेंगे तो टैक्स अच्छे से पढ़ पाएंगे नहीं तो टैक्स में हमेशा ऐसा लगेगा अकाउंट्स वाले सर गलत पढ़ाए थे कि यार सर बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन ऐसे निकाल रहे हैं हमारे सर तो बोल रहे थे एस कर लो डब्ल्यूडीवी कर लो यहां आए तो सब बात ही चेंज कर दिए तो अकाउंट्स और टैक्स को कभी कंपेयर मत कीजिएगा वो दुनिया ही अलग है वहां पे ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइज टैक्स रेवेन्यूज हमारा ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइज टैक्स पेमेंट्स तो हमारे दोनों के ऑब्जेक्टिव वहां इतना जोर झगड़ा करते हैं कि वहां अलग ही रूल्स निकल के आते हैं अकाउंट्स में हमारा इज नॉट की मैक्सिमाइज टैक्स पेमेंट्स और मिनिमाइज टैक्स पेमेंट इट इज जो हुआ है वो बता दीजिए तो जो अकाउंट्स में हो रहा है उसका टैक्स से बहुत हद तक 99 परसेंट हद तक लेना देना कुछ नहीं है कुछ लेना देना नहीं है आप जो कर रहे हो कीजिए टैक्स वाला बोलेगा मेरे हिसाब से तो ऐसे करना है जैसे वहां पे क्या होता है आप जब एसेट को बेचते हैं तो बुक वैल्यू सेल वैल्यू को कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालते हैं वहां पर वैसा होता ही नहीं है वहां पर पूरा केस ही डिफरेंट है वहां पर वो प्रॉफिट लॉस कुछ देखता ही नहीं है वो अलग कैपिटल गेन भी अलग केस में आएगा तो हमारे और उनकी बात में जमीन आसमान का फर्क है हम लोग जो भी बात करेंगे टैक्स एंगल में बिल्कुल अलग होगा तो टैक्स को टैक्स में ही समझना पड़ेगा धन्यवाद तो अकाउंट्स में कुछ भी लिखे उससे टैक्स पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्लियर प्रूडेंट सबको समझ में आया किसको बोलते हैं द बेस्ट एग्जाम्पल इज पेपर में मार्क्स काउंट करना इट इज प्रूडेंट का बेस्ट एग्जाम्पल और उस समय ना सब प्रूडेंट रहते हैं आप भी याद करो आपने कभी पांच में पांच काउंट ही नहीं किया होगा वहां हम प्रूडेंट रहते हैं प्रोबेबल लॉसेस को पहले ही अकाउंट फॉर कर लेते हैं वाल ने नहीं दिया बहुत बेकार आदमी है बीवी से झगड़ा कर रखा है ये सारा प्रोबेबिलिटी मांग लेते हैं हम लोग हा वर्स्ट केस बट उसमें भी ध्यान रखना है इतना भी प्रूडेंट नहीं होना है कि जो नहीं होने वाला है सब उसको भी कंसिडर कर लिए हाँ वो सब नहीं करने का वो सब मुश्किल है पेपर चेक कर तब तो वो ज्यादा मार्क्स देगा ना बोलेगा यही वो पेपर था जिसने मेरे जिंदगी के सारे दुखों को खत्म किया ऐसा नहीं होता है अरे ये सब मैम मैम को बीच में नहीं लाने का हाँ मैम ठीक कल एक तो बच्चा मेरे को वीडियो भेजता है बोला सर मैम का नंबर दीजिए उनको भेजेंगे मेरी का। मतलब तुम मेरे भाई हो कि उसके समझ नहीं आता है हम हाँ उसमें बोल रहे थे मेरे को एक सपना आया सपने में परी दिखी हम गोवा में थे हम लोग बातें कर रहे थे तो बोलता है लाइए मैम को ये सपना भेजते अब बोला क्या भेजोगे छोड़ना ना ना वो इंटर वाला ही है रे वो कुछ कुछ लोग बोलता है ये राम है ना राम ये लोग आंसर डिस्कस करता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए उसके लिए क्या होना चाहिए ये सारी बात क्लियर है अभी मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए जिस पर मैं बाद में डिस्कशन करूंगा ब्रॉड में मैंने वर्ड यूज किया था लाइक गोइंग कंसर्न मैंने वर्ड यूज किया था कंसिस्टेंसी मैंने वर्ड यूज किया था प्रूडेंस इन पर मैं वापस आऊंगा अभी उन सब चीज पर जाएंगे ना तो थोड़ा सा टॉपिक से भटक जाएंगे इसीलिए उस पर भटक नहीं रहा हूं अभी मैं टॉपिक में खड़ा हूं कि ट्रू एंड फेयर व्यू किसको बोलते इस टॉपिक में जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाई वही थी रिलायबिलिटी जिसमें मैंने सब्सटेंस ओवर फॉर्म समझाया विथ एग्जाम्पल जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे सब्सटेंस ओवर फॉर्म के एग्जाम्पल्स हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भर भर के आएंगे उस समय बस याद आना चाहिए कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या था डन अब ये पढ़ने के बाद इतना थ्योरी पढ़ने के बाद पॉइंट नंबर फाइव में लिखे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो बच्चे सो रहे थे वो अब जाग जाए ये ऐसा ही होता है जब थ्योरी पढ़ाएंगे बच्चा बोलेगा अकाउंट्स में ऐसे थोड़ी पढ़ते अकाउंट्स में तो सम्स करते हैं हाँ सम्स करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा एक्चुअली क्या होता है जो बच्चा फाउंडेशन पढ़ लेता है ना हम लोग से वो समझ जाता है भैया पहला दो तीन क्लास तो कुछ नहीं करवाएंगे सम्स बट जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको ऐसा लगता है अकाउंट्स मतलब पहला क्लास से सम्स होना चाहिए ज्ञान का है का? अकाउंट्स में कोई ज्ञान थोड़ी चाहिए ये समझ में आएगा धीरे धीरे ट्रेन बना के ओ एक जन जा रहा है ना ठीक है अब चला जा अंदर वो बाहर बैठ जाएगा तुम अंदर चला जा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला एलिमेंट हम लिखेंगे अब आपकी नॉलेज का चेक शुरू अब जो डिस्कस करेंगे बहुत प्रैक्टिकल हर डिस्कशन बहुत काम आने वाला और हर चैप्टर में इसको यूज करना पड़ेगा तो अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बचपन का रिवीजन है और इंटर लेवल में इस चीज को प्रॉपरली सीखना ताकि आगे कभी प्रॉब्लम ना हो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे को पांच एलिमेंट्स की बात करनी है एसेट इक्विटी इनकम एक्सपेंस जब मैं एसेट इक्विटी बोलता हूं ये बैलेंस शीट के एलिमेंट्स है किसके एलिमेंट्स जब मैं इनकम एक्सपेंसेस बोलता हूं वो पीएल के एलिमेंट्स है और ये पूरा मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं सबसे पहला एलिमेंट जिसका डिस्कशन करेंगे वो है एसेट्स एसेट्स क्या होता है जो मोर देन वन ईयर बेनिफिट देगा अगर कोई लेस देन वन ईयर बेनिफिट दे रहा है तो वो एसेट नहीं है जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने में हेल्प करता हो एग्जाम्पल दे भाई मशीन लैंड वेहीकल्स डेटर स्टॉक फर्नीचर गुडविल कैश ट्रेडमार्क पेटेंट कॉपीराइट कैश कैश हो गया अब नया बोल कुछ डिपॉजिट्स मतलब इन्वेस्टमेंट्स बोलो इन्वेस्टमेंट्स ओके प्रीपेड रेंट ओके बिल रिसीवेबल्स वेरी गुड इनकम अक्रूड वंडरफुल अभी बैलेंस शीट का सब याद कर रहा है भैया से नीचे क्या था एसेट साइड में वेरी गुड नहीं एकदम सही बोल रहे हैं आप लोग कुछ एक एक वर्ड भी गलत नहीं बोला एकदम सही बोला है आपने बच्चे बोल रहे हैं सर एसेट्स वो रिसोर्सेज है वो चीजें हैं जिनसे बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा जिनसे बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा उनको हम अपना एसेट बोलते हैं माई क्वेश्चन टू यू ये जो जगह जिसपे आप बैठ के पढ़ रहे हो जगह ना मैंने भाड़े पर ले रखी है ठीक तीन साल का अग्रीमेंट है सामने वाली पार्टी से कि तीन साल में यह जगह यूज करूंगा पढ़ाने के लिए हर महीने मेरे को साठ हजार रुपए भाड़ा देना पड़ेगा क्या ये जगह से मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है yes, क्या मेरे बिजनेस को इस जगह से बेनिफिट जनरेट होगा yes, क्या ये मेरे बैलेंस शीट में एसेट है वो तीन साल के लिए है उसके बाद नहीं है क्या बोल है ओनरशिप नहीं है तो मतलब मतलब इससे बेनिफिट मिलने के बावजूद ये मेरा एसेट नहीं है तो तो तुम लोग कुछ पॉइंट छोड़ रहे थे क्या फिर ओके okay, बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसा रिसोर्स जिसमें नंबर वन हमारा ओनरशिप या कंट्रोल होना चाहिए एंड नंबर टू जिससे प्रोबेबल है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएगा जब किसी रिसोर्स में ये दो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो रिसोर्स मेरा एसेट कहलाएगा पहला कैरेक्टरिस्टिक उस रिसोर्स पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जिससे मेरे को बेनिफिट तो मिल सकता है बट मेरा कंट्रोल नहीं है हम उसको अपना एसेट अकाउंटिंग टर्म्स में नहीं बोल सकते जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स समझते हो बिजनेस पार्क वगैरह जो होते हैं उसमें ना हमारा एक फैक्ट्री है अब उस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी रोड्स होंगी रोड्स हाँ या ना हमारा ना उन रोड्स पर चढ़कर गाड़ी रेगुलरली आता है माल लेके आता है माल लेके जाता है क्या रोड से हम लोगों को बेनिफिट मिलता है बट क्या उस रोड्स पर हमारा कंट्रोल है तो बेनिफिट्स मिलने के बावजूद भी हम उसको एसेट नहीं दिखा सकते क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल बट मान ले मेरे फैक्ट्री कंपाउंड के अंदर सौ मीटर की रोड है सुने इजाजत के बिना कुछ भी कर मैं जो इच्छा वहां कर सकता हूं और मैं दूसरों को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूं कि वो वहां कुछ भी कर क्या वो रोड हमारा एसेट माना जाएगा हम लोग उसको फैक्ट्री के कॉस्ट में इंक्लूड करके कैपिटलाइज कर लेंगे वो अलग है रोड अलग से दिखे जरूरी बट क्या उसका वैल्यू मेरे एसेट में आएगा आएगा यानी कोई भी चीज आप एसेट बोलकर अपने अकाउंट्स में तभी दिखा सकते हो जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो द फर्स्ट वन इज ओनरशिप और कंट्रोल ऑन दैट रिसोर्स एंड नंबर टू इज उससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोल सकते हैं वो हमारा एसेट है अदरवाइज वो हमारा एसेट नहीं है भला ही उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आओ या नहीं आओ और बोला इंग्लिश वाला इंग्लिश का और ओनरशिप या कंट्रोल अभी मैंने कंट्रोल वर्ड को समझाया नहीं है कंट्रोल को समझाऊंगा तो तेरे को समझ में आएगा क्यों ये मेरा एसेट नहीं है बात करेंगे अभी कंट्रोल के बारे में भी बात करूंगा बोल भाई बात करेंगे आते हैं उस पर अभी हम लोग आते हैं उन सब बातों पर जो ये बच्चे पूछ रहे हैं पहले बताओ एसेट का दो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया अब इसको पूरी तरीके से समझने के लिए तीन चीज को समझना होगा ओनरशिप कंट्रोल और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ओनरशिप तो हम लोग सबको पता है ओनरशिप हम लोग किसको बोलते हैं जो लीगल राइट right होता है लीगल टाइटल होता है जिसके पास उसको हम लोग ओनर बोलते हैं अगर किसी रिसोर्स का लीगल टाइटल आपके पास है तो 99.99% .99 आप ही उसके ओनर माने जाते हो और वो एसेट आपके ही कंट्रोल में माना जाता है 99.99 .99 कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं बट अकाउंट्स बोलता है हमारे लिए ना लीगल टाइटल इतना मैटर नहीं करता हमारे लिए ना सब्सटेंस मैटर करता है हम लोग ना ओनरशिप नहीं भी होने के बावजूद अगर आपके पास कंट्रोल होना उस एसेट पर तो भी हम मानेंगे वो एसेट आपका है कंट्रोल किसको बोलते हैं कंट्रोल उसके पास होता है जिसके पास दो राइट्स हो नंबर वन वो जैसे चाहे एसेट को वैसे यूज कर सकता है नंबर टू वो दूसरों को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है फ्रॉम यूजिंग इट जब आपके पास किसी रिसोर्स के ऊपर ये दो राइट हो नंबर वन तुम जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो नंबर टू तुम दूसरों को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो तो मैं बोलता हूं तुम्हारा उस रिसोर्स पर कंट्रोल है मेरा इस रिसोर्स पर कंट्रोल है ना कंट्रोल लिमिटेड है टू द एक्टिविटी ऑफ टीचिंग हमने जब अग्रीमेंट बनाया ना उन्होंने साफ साफ लिखा इस जगह पर नवीन क्लासेस अपनी क्लासेस करेगा कल मैं चाहूं यार क्लासेस बंद करो यहां पे मशीन लगा के प्रोडक्शन करते हैं क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा उनके पास राइट है वो मेरे को बोल दे आप मेरा जगह वापस कर दीजिए हम आपको इस काम के लिए एसेट देना तो क्या हमको छोड़ के जाना पड़ेगा हंड्रेड परसेंट छोड़ के जाना पड़ेगा आप मना नहीं कर पाएंगे यानी यहां पर जो मेरा कंट्रोल है ना वो बहुत लिमिटेड है क्या है लिमिटेड इतने लिमिटेड कंट्रोल से हम इसको एसेट नहीं बोल पाएंगे कंट्रोल जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए तुम जो चाहो वो कर सकते हो और तुम दूसरों को रेस्ट्रिक्ट भी मैं यहां पर जो चाहो वो उतना ही कर सकता हूं जब बात टीचिंग का है मैं दस बच्चे बैठा हूं पचास बैठा हूं एक सौ सत्तर बैठा दो सौ बैठा वो कुछ आके नहीं बोलेंगे बट मैं अगर टीचिंग बोल छोड़ के यहां पर कुछ और करना चाहूं हो सकता है वो आके बोल दे आप मेरा जगह खाली कर दीजिए यूज करने का दरकार क्योंकि क्यों क्यों ऐसा होता है बताऊं वो चाहते हैं कि वो अगर एसेट किसी को भाड़े पर दे तो कुछ रेगुलर इनकम वो कमा पाए नंबर वन नंबर टू जो रेगुलर मेंटेनेंस या दूसरे खर्चे लगते थे एसेट बंद होने के बावजूद भी वो खर्चे ना लगे वो सेविंग हो एंड नंबर थ्री उनका एसेट मेंटेन्ड रहे अगर मान लो मैंने उनसे जगह भाड़े पर लेके इस जगह का ऐसा हाल कर दिया कि अब इसको कोई खरीद ही नहीं पाएगा तो उनका जगह भाड़े पर देना नुकसानदायक हो गया कि नहीं हो गया बिल्कुल हो गया वो ऐसे किसी को जगह भाड़े पर देंगे ही नहीं कोई यहां पे मान ले अपना मशीन वशीन लगा के नीचे का सब ये जो मार्बल है सब तोड़ तोड़ा के नक्की कर दिया इतना इतना खराब से यूज किया कि सब गंदा हो गया अब कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा तो उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना साठ हजार का रेंट क्या महीने रखता है रे इस जगह का अभी वैल्यूएशन कराओगे ना डेढ़ से दो करोड़ का ये जगह है डेढ़ से दो करोड़ का ग्यारह हजार रुपया दस हजार रुपया का रेट है इस एरिया में इस इस पर्टिकुलर एरिया में कमर्शियल का और ये चौदह सौ चालीस स्कवायर फीट का जगह है तो चौदह सौ चालीस इंटू दस हजार ग्यारह हजार करोगे तो डेढ़ करोड़ रुपए का एक जगह है अब डेढ़ करोड़ रुपया की जगह को कोई अगर साठ हजार रुपये भाड़े पर दे रहा है कुछ नहीं ले रहा है वो डेढ़ करोड़ पे साठ हजार परसेंटेज वाइज करोगे ना पॉइंट जीरो जीरो फोर परसेंट करो एक बार साठ हजार डिवाइडेड बाई डेढ़ करोड़ देखो एक बार उतना ही आता है क्या पॉइंट जीरो जीरो फोर परसेंट पॉइंट जीरो जीरो फोर या पॉइंट फोर क्या आ रहा है? पॉइंट फोर परसेंट पॉइंट फोर परसेंट करके अगर कोई अपना पैसा रिकवर करना चाहेगा बीस साल लग जाएगा उसको बीस साल तब जाके उसका जगह का पैसा निकलेगा उससे और उस बीस साल में इंटरेस्ट को तो मैंने छोड़ ही दिया टाइम वैल्यू भूल जाओ तो वो क्या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उनको जब जगह दे जगह का हालत खराब करके दे कि वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जगह को मेंटेन करके रखे ताकि तीन साल बाद अगर उनको जगह बेचना भी पड़े तो डेढ़ दो करोड़ में जगह बिक जाए तो यहां पर मेरे पास ना कंट्रोल बहुत लिमिटेड है मैं सिर्फ एक एक्टिविटी कर सकता हूं बाद बाकी कुछ और कर ऐसी रेंटेड प्रॉपर्टी को हम लोग एसेट नहीं बोलते हैं बट मान ले गवर्नमेंट से मैंने लैंड लीज पे लिया फॉर नाइन नाइन ईयर एंड डू वट एवर यू वॉन्ट तब क्या वो एसेट मेरा एसेट हो जाएगा बिल्कुल क्योंकि उस रिसोर्स पर मेरा हर तरीके से कंट्रोल है कुछ मिनिमम गवर्नमेंट मना कर सकता है जैसे मान ले रेसिडेंशियल एरिया में है तो बोल देगा यहां फैक्ट्री मत लगाना वो थोड़े बहुत मिनिमम रेस्ट्रिक्शन हो सकते बट ऐसा नहीं हो सकता वो बोल रहे यहां खेती भी नहीं कर सकते यहां घर भी नहीं बना सकते या तो मेस भी नहीं बना सकते या होटल भी रेडी नहीं हो सकता या रेस्टोरेंट भी अरे सभी नहीं हो सकता तो आप रखिए ना क्यों दे रहे हैं लीज पे अरे हम लीज पे ले रहे हैं तो हमारा कुछ नाइनटी नाइन ईयर्स नाइनटी नाइन ईयर्स एक ही काम करे जरूरी थोड़ी है बीस साल होटल बना के चलाया होटल नहीं चला तो फिर उसको कन्वर्ट कर दिया स्कूल में स्कूल नहीं चला होटल कन्वर्ट कर दिया बंगलों में फिर प्रोजेक्ट बना के बेच दिया तो कुछ भी कर सकता है हम उसमें कोई प्रॉब्लम वो लीज में, में मेरा ना फुल कंट्रोल होता है उस एसेट पर क्योंकि कंट्रोल फुल होता है इसीलिए हम उसको अपना एसेट बोल सकते हैं आपने बहुत बार देखा होगा लीज होल्ड प्रेमाइसिस वर्ड लिखा हुआ रहता है लीज होल्ड लैंड वर्ड लिखा हुआ रहता है मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका ओनरशिप होना चाहिए बट मैं ये बोल रहा हूं ओनरशिप हो या फिर कंट्रोल हो तो भी बात बनेगा बट कंट्रोल जो होना चाहिए वो कंट्रोल लिमिटेड नहीं होना चाहिए मैक्सिमम चीजों पर होना चाहिए अनलिमिटेड भी नहीं बोलूंगा कुछ रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं बट लिमिटेड कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि भाई तुम यही कर सकते हो इसके बाद जो भी करना है मेरे से पूछ के करना हम मना करेंगे तो नहीं कर पाओगे वैसा कंट्रोल है तो फिर हम कर नहीं पाएंगे बच्चा बोला सर इसको हम लोग ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग okay. लीज खाली एसेट के ऑपरेशन जगह का ऑपरेशन फॉर द लिमिटेड परपज आप यूज कर सकते हो तो एसेट होने के लिए ओनरशिप या कंट्रोल ओनरशिप का मतलब लीगल ओनरशिप लीगल टाइटल कंट्रोल का मतलब कंट्रोल का मतलब आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो एंड आप दूसरे को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो फ्रॉम यूजिंग इट ये राइट है तो हम मानते हैं एसेट पर आपका कंट्रोल है और वो एसेट आपका है ये कंट्रोल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट अब मैं तेरे को एक एग्जाम्पल देता हूं बताना ये मेरा एसेट होगा या नहीं हमने अपने इंप्लॉयज को ट्रेनिंग दिया जीएसटी नया नया आया था हमारे सारे एम्प्लॉयज को जीएसटी का कोर्स कराया ट्रेनिंग दिया करोड़ों रुपए खर्च किए क्यों खर्च किया सर ताकि हमारे इंप्लॉय जीएसटी पर काम कर सके और उससे हम लोगों को बेनिफिट हो हमने इंप्लॉय को ट्रेनिंग कराया जीएसटी का एक करोड़ रुपया खर्चा हुआ बोलो ये एक करोड़ रुपया खर्चा किया हुआ हमारा एसेट है कि नहीं है क्यों नहीं है बच्चे बोल रहे सर इंप्लॉई अगर जीएसटी सीखने के बाद आपके यहां काम करेगा तो बिल्कुल बेनिफिट आपको मिलेगा बट क्या इस बेनिफिट पर आपका कंट्रोल है कल अगर इंप्लॉई बोला कल अगर इंप्लॉई बोला हम छोड़ के चले जाएंगे लगा सकते हैं बच्चा बोला सर एक काम करो ना एक करोड़ रुपया खर्चा किया हो तो इंप्लॉई को बांधो बोलो ये ट्रेनिंग करने के बाद दो साल तक आपको हमारे यहां काम करना अगर ये लगा दिए तो मैं एसेट बोलने के लिए तैयार हूं फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स बट अगर आपने ऐसा कुछ बांधा नहीं और बोला तुमको जो इच्छा वो करो तो हो सकता है वो तीन महीने में छोड़ के चला जाए और सारा ट्रेनिंग का जो लगाया हुआ पैसा वो बर्बाद हो जाए तो हम लोग इसको एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा उस बेनिफिट पर कोई कंट्रोल हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं एडवर्टीजमेंट अब एडवर्टीजमेंट से एक्सपेक्टेड है कि सेल बढ़ेगी हाँ या ना तभी तो एडवर्टीजमेंट करते हैं क्या उस सेल पर हमारा कोई कंट्रोल है क्या हम लोग अपने एडवर्टीजमेंट में ऐसा लिख सकते हैं जिसने ये बोर्ड देखा उसको माल खरीदना ही पड़ेगा तो लोग देखेगा ही नहीं ऐसा ऐसा लिख दिए मान ले रजनी गंदा का का है अगर देख लिए तो खाना पड़ेगा जैनी आदमी लोग तो मतलब नसी नहीं हिलाएगा सीधा देखेगा भाई लेफ्ट राइट मत खाना पड़ेगा मतलब ये तो बेवकूफी है ना मतलब एडवर्टीजमेंट से बेनिफिट जनरेट हो सकता है मैं मना नहीं कर रहा हूं बट उस बेनिफिट पर कोई कंट्रोल तो मैं एडवर्टीजमेंट के खर्चे को एसेट बनाकर नहीं लिख सकता क्योंकि मेरा कोई कंट्रोल उसके ऊपर तो बहुत बार ऐसा होगा कोई चीजें इकोनॉमिक बेनिफिट आपको देंगी बट उस पर आपका कंट्रोल नहीं है अगर कंट्रोल नहीं है तो हम उसको एसेट बोल के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते और बहुत बार ऐसा भी होता है कंट्रोल है ओनरशिप है बट बेनिफिट ही नहीं आएगा कुछ तो भी एसेट बोल के रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं आना है उसको बैलेंस शीट में रख के कोई फायदा जैसे मान लो मैंने ना हम लोग अभी इसमें पढ़ा रहे हैं आईपैड में डिजिटल हो गया सब कुछ इससे पहले हम लोग पढ़ाते थे डॉक्यूमेंट कैमरास में डॉक्यूमेंट कैमरा क्या होते थे एक ऐसा कैमरा होता था वो कैमरा ऊपर से हम जो भी लिखते थे यहां पर उसकी डॉक्यूमेंट कैप्चर उसकी फोटो कैप्चर करके आपको यहां पे और हमारी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करवाता था जैसे ही आईपैड आ गया ना इतना बड़ा मशीन की जगह छोटा सा आईपैड और एक छोटा सा कनेक्टर पूरा उसका काम कर रहा है प्लस क्वालिटी थोड़ी इनहस हो जाती है क्योंकि पेज पे लिखते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है और जो डिजिटली लिखते हैं उसके आउटपुट में फर्क है हमने क्या किया हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट कैमरा थे बंद करके रखा दो आईपैड लाया हमारे नवनीत काम करना शुरू कर दिए वो डॉक्यूमेंट कैमरा मेरे पास पड़ा तो है मेरा ओंड ही है बट मेरे को पता उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला तो क्या उसको बैलेंस शीट में दिखा दिखाकर आगे ले जाना कोई बुद्धिमानी है सर राइट ऑफ करके खत्म कर दीजिए बट सर मान लीजिए आप उसको अभी भी बेच सकते हैं दस हजार रुपया उठ सकता है अगर लगता है बेच सकते हैं दस हजार रुपया उठ सकता है तो दस हजार तक मैं उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखा बट पचास हजार साठ हजार सत्तर हजार पर दिखाना सही नहीं है तो हम लोग बोलते हैं कोई भी चीज को एसेट बोलने के लिए दो कंडीशन नंबर वन ओनरशिप या कंट्रोल होना चाहिए नंबर टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड होना चाहिए दोनों में कोई भी कंडीशन फेल होगी हम एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते ये दो बात क्लियर है स्टाफ ट्रेनिंग का एग्जाम्पल समझ में आया एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल समझ में आया डॉक्यूमेंट कैमरा का एग्जाम्पल समझ में आया ये सारे एग्जाम्पल्स बताएंगे कि कोई चीज हमको एसिड बोल के रिकॉर्ड करना चाहिए या एसिड बोल के रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए अब इसी के एग्जाम्पल के अगेंस्ट एक बात बोलता हूं सुनना ध्यान से अब बताना होगा कि नहीं मेरे पास एक जनरेटर पड़ा हुआ है जनरेटर क्यों लगाते हैं सर कभी अगर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा तो वो अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी का

आज ही आए वो जरूरी वो धीरे धीरे भी आए तो चलेगा वो साल में एक बार भी आए तो चलेगा बट मेरे को वो प्रोविजन बना के रखना पड़ता है ताकि कोई दिन लाइट जाए तो हम लोग का काम बंद हम लोग कंप्यूटर के साथ मान लो एक यूपीएस कनेक्ट करते हैं क्यों कनेक्ट करते हैं अगर पावर जाए तो भी मेरा कंप्यूटर बंद नहीं हो मेरा रिकॉर्डिंग हो जाए कैलकटा में जाता नहीं है बट कैलकटा के बाद राजस्थान में अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो राजस्थान में दिन में तीन बार भी लाइट जा सकता है हो सकता है एक दिन लाइट गया पूरा दिन ही नहीं आया तो हम एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अचानक से लाइट गया कंप्यूटर बंद हो गया पूरा काम किया हुआ बेकार वहीं अगर यूपीएस निकाल लेंगे तो आधी घंटा कम से कम चलेगा हमको कुछ रिकॉर्ड करना है या हमको उसको पॉज करना है बंद करना है सेव करना है तो हम कर तो वो यूपीएस भला ही कभी कभी काम आओ बट उस यूपीएस के होने से क्या हमारे बिजनेस को बेनिफिट होगा होगा तो वो मेरे लिए एसेट माना हम लोग इनको एक वर्ड देते हैं स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स क्या बोलते हैं स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स ये इक्विपमेंट रेगुलरली यूज नहीं होंगे ये स्टैंड बाई में है बट जिस दिन जरूरत पड़ेगा उस दिन ये काम आएंगे क्लियर है क्या बात अब तुम डाउट पूछो क्या बोल रहे थे आता था बचपन तक अब उसको राइट ऑफ कर देंगे हम बचपन में जो पढ़े थे ना अब थोड़ी बातें चेंज हो जाएंगी जैसे एक चैप्टर याद करो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर

उन चीजों को इमीडिएटली राइट ऑफ कर देना अब एस ट्वेंटी इसको पूरा इमीडिएटली राइट ऑफ करो इनको कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड तो अब फिक्टिशियस एसेट तेरे को बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा दिख रहा है मतलब एंटिटी जानबूझ के राइट ऑफ नहीं कर रहा है गलत है वो हम लोगों को इमीडिएटली राइट ऑफ कर देना चाहिए बोलो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा बात करेंगे आएगा वो तुम रेकरिंग खर्चे की बात कर रहे हो कि तुम उस एसेट की बात कर रहे हो जरूरी नहीं है तुम एक बात बताओ ना हमारा डेटर है डेटर माल बेचा हुआ है आदमी से पैसा लेना है डेटर पे, पे क्या रेकरिंग खर्चा करते हो या फिनिश गुड्स बना हुआ है उस पर क्या रेकरिंग खर्चा बार बार करना पड़ता है जरूरी नहीं है वो सब दीज आर नॉट रिक्वायर्ड नॉट नेसेसरी नॉट नेसेसरी एसेट किसको बोलते हैं बात क्लियर है क्या पक्का कंट्रोल वर्ड समझ में आया कंट्रोल वर्ड की दो कंडीशन बता हम जो चाहे वो कर सकते हैं और दूसरों को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं यूज करने से अगर इतना पावर हमारे पास है तो हम बोलेंगे एसेट पर हमारा कंट्रोल है और वो हमारा एसेट माना जाएगा सर स्टेशनरी को एक्सपेंस क्यों ट्रीट करते हैं ये स्टेशनरी समझते हो ये कैलकुलेटर? ये सुन ना कैलकुलेटर कैलकुलेटर। क्या इस कैलकुलेटर में, में मेरा ओनरशिप है और क्या हमको इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा क्लास में पढ़ाएंगे कैलकुलेशन करेंगे बेनिफिट तो मिलेगा ही बट तो भी हम लोग ना इसको एसेट बोल के नहीं रखते हैं क्योंकि इसका अमाउंट इतना छोटा है ना कि अगर इसको एसेट दिखाएंगे लोगों को लगेगा इसकी इस आदमी के साथ काम मत करो ये वो ढाई सौ रुपया का कैलकुलेटर को तीन साल में डेप्रिशिएट कर रहा है अस्सी 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 और दस रुपया स्क्रैप वैल्यू और बोला है कि कोई कबाडी को बेचेंगे तो दस रुपया आएगा इज नॉट वट वी डू इनफैक्ट हम लोग तो अगर कोई फैन अगर कोई ट्यूबलाइट ये सब भी खरीदते हैं ना हम लोग सीधा खर्चा दिखाते हैं we don't, we don't yeah, as हमको लगता है जो हमारे बिजनेस का साइज है उसके हिसाब से अगर एक फैन को कैपिटलाइज किया जाएगा तो वो हमारे स्टेक होल्डर के लिए इम मटेरियल इन्फॉर्मेशन है बोला यार फैन दो का है तुम तीन साल में राइट ऑफ कर एक साल में कुछ नहीं फर्क पड़ता इसको हटा साइड कर मैंने बोला ना इनरेलीवेंट इंफॉर्मेशन देने का दरकार हम लोग फैन को सीधा खर्चा बोल के राइट ऑफ करते हैं बट हां अगर ऐसा है कि सर स्टेशनरी का खर्चा बड़ा है और हम लोग स्टेशनरी का स्टॉक मेंटेन करते हैं हमेशा क्योंकि हम लोग को बहुत लगता है इन दैट केस वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मेरा एसेट हो सकता है जैसे बैंक्स के, के केस में बैंक्स के केस में अगर बैंक का बैलेंस शीट देखोगे ना उसमें अदर एसेट के अंदर स्टेशनरी एक एसेट दिखाई देगा क्योंकि बैंक का स्टेशनरी लगता है साल भर में दस करोड़ बीस करोड़ पच्चीस करोड़ रुपए का वो हमेशा स्टॉक मेंटेन करते हैं और करोड़ दो करोड़ रुपए का बैंक के पास स्टेशनरी पड़ा हो ओवरऑल मिला के वो कोई बड़ी बात तो वो लोग अगर उसको एसेट बना के दिखाए तो दे आर नॉट रॉन्ग क्योंकि वो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं बोला जो खर्चे का बेनिफिट ही नहीं आया वो खर्चा पीएल में दिखाने का दरकार अगर ये स्टेशनरी हम नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर आएगा तो खर्चा भी नेक्स्ट ईयर दिखाना ही बेटर है बट वो उसको एसेट इसलिए नहीं बोलते कि भैया एसेट में ओनरशिप कंट्रोल ही सब वो लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको मैचिंग करना है अपना रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस के साथ उनका स्टेशनरी का खर्चा मटेरियल है अगर वो सारा खर्चा भुगता देंगे तो हो सकता है उनका जो प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट आपको दिखाई दे वो सही दिखाई तो बोलता है जितना स्टेशनरी यूज हो गया उसको खर्चा दिखा दे जो स्टेशनरी पेटी पैक पड़ा है उसको एसेट बोल के रख दे जब यूज होगा तब खर्चा दिखाएंगे बट हम लोग स्टेशनरी को कैलकुलेटर को हमेशा खर्चा बोल के दिखाते हैं हम लोग कभी उसको एसेट बोल के आगे नहीं ले जाते आजकल तो पहले तो क्या होता था हम लोग दो दो तीन तीन चार चार बंडल कॉपी मंगवा के रखते थे हर दस क्लास में कॉपी खत्म होता था अब तो अनलिमिटेड पेजेस है भाई आगे करता जा पेजेस आता जाएगा तो हमारे पास अब ये सब खर्चा ही नहीं है कुछ भी तो हम लोग कभी वो सबका स्टॉक मेंटेन ही नहीं करते जितना चाहिए होता है उतना मंगवा लो एक महीने का कंजम्पशन के बराबर फिर जैसे ही वो खत्म हो जाता है वापस मंगवा लेते हैं ऐसा थोड़ी है दूर जाना पड़ेगा नीचे ही मिलता है पैकिंग मटेरियल्स हम लोग मंगाते हैं बुक्स वगैरह पैक करने के लिए एक बार में हजार पांच सौ ला के रखते हैं एक महीना दो महीना में खत्म होता है वापस नया मंगा लेते हैं हम लोग ये सबको खर्चा बोल के भुगताते हैं हम लोग कभी इनको एसेट बोल के रिकॉर्ड क्योंकि मटेरियल नहीं है मटेरियलिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू शो समथिंग इन बैलेंस शीट एंड पी तो ये हम लोग फॉलो करते हैं बचपन में याद करो एक एग्जाम्पल दिया था फैक्टर्स दैट डिटरमाइन एन एक्सपेंडिचर टू बी रेवेन्यू और कैपिटल जिसमें एक मटेरियलिटी का पॉइंट था उसमें कैलकुलेटर का एग्जाम्पल बताया था कि कैलकुलेटर को मैं भला ही यह लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा तो भी मैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मान के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानता हूं क्योंकि ये मेरे लिए मटेरियल नहीं है बट हां कंप्यूटर अगर मैं खर्चा करता हूं तो मैं क्या करता हूं कैपिटलाइज करता हूं क्योंकि मेरे को लगता है वो मटेरियल है और वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होना चाहिए क्लियर है बात नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे इसी से टैक्स का क्लास थर्ड फ्लोर पे आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच एवरी वन बाय ऑनलाइन कोई डाउट है तो पूछ लीजिए नहीं तो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे एंड बुक्स uh, के लिए मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी बता दी ऑनलाइन प्लीज चेक टेलीग्राम जब आएगा सबको एक साथ मिलेगा इस वीकेंड या नेक्स्ट वीक फर्स्ट और कल क्लास है हा कोई छुट्टी नहीं है